नेक्स्ट सेक्शन है अपना 40A2, सेक्शन 40A2, राइट। सेक्शन 40A2 टॉक्स अबाउट एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप जैसे आपकी डैड की कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ। अब हम दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, हम दोनों का एजुकेशन सेम है, स्टिल योर डैड इज पेइंग यू ₹6 लाख पर एनम एंड मुझे वहां पे कर रहे ₹4 लाख पर एनम। इनफैक्ट आपकी और मेरी जगह पर कोई भी होता तो उसको भी 4 लाख पर एनम ही मिलता, और हम मार्केट में भी हम दोनों जॉब करने जाते तो 4 लाख पर एनम ही मिलता, उसके बाद में भी आपको 6 लाख मिल रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप रिलेटिव हो और रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट किया जा रहा है 2 लाख रुपीज, क्योंकि वो पैसा घर में ही रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पैसा घर में ही रहेगा और डैड को वहां पे 2 लाख का ज्यादा डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को एक्सेस पेमेंट करते हैं, जो मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा एक्सेस पेमेंट कर देते हैं। तो इन दैट केस बेटा, सेक्शन 40A2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टीट्यूट पूछता है वहां पे, ठीक है। तो सेक्शन 40A2 क्या बोलता है कि अगर एक्सेसिव पेमेंट हुआ रिलेटिव को, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक्सेसिव पेमेंट हुआ रिलेटिव को, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जितना रीजनेबल अमाउंट है फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो तो क्या हो जाएगा, अलाउड एज डिडक्शन, एंड जो एक्सेस रीजनेबल अमाउंट है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो सपोज अभी हमने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको पेमेंट हो रहा है, यू आर रिलेटिव और आपको पेमेंट हो रहा है 6 लाख रुपीज का पेमेंट हो रहा है। अब 6 लाख में से 4 लाख तो क्या है, रीजनेबल है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू है, तो ये तो हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो ₹2 लाख का वहां पे एक्सेस पेमेंट हो रहा है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। बस इतना सही सेक्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि भाई दिस इज रीजनेबल अमाउंट एंड इतना एक्सेस पे कर रखा है, तो एक्सेस वाला पार्ट आपको डिसअलाउ करना है, ठीक है। या फिर आपको क्या बोलेगा कि भाई इतना पेमेंट किया है और मार्केट के अंदर बेसिकली इतना फेयर मार्केट वैल्यू है या इतना एक्सेस पे किया गया है, तो उतना आपको डिसअलाउ करना है। अभी रिलेटिव क्या क्या होता है, रिलेटिव की डेफिनेशन, इंडिविजुअल केस में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये हो गए। HUF के केस में मेंबर ऑफ HUF, पार्टनरशिप फर्म केस में पार्टनर्स एंड रिलेटिव्स, कंपनी केस में डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, एंड पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल कब होता है, जब बेटा 20% मोर वोटिंग राइट होता है इन केस ऑफ कंपनी, और बाकी किसी और के केस में 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट होता है, वो होता है पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग। तो मान लो मैं रिलायंस में डायरेक्टर नहीं हूं, तो मैं रिलायंस का रिलेटिव नहीं हुआ, लेकिन रिलायंस के अंदर मेरा वोटिंग राइट है एग्जैक्ट 20% या उससे ज्यादा, तो भले ही मैं वहां पे डायरेक्टर नहीं हूं स्टिल, या किसी डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हूं स्टिल, आई विल ट्रीटेड एज ए रिलेटिव, क्योंकि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है रिलायंस के अंदर। अंडरस्टूड, ठीक है। और अगर AOP BOI है, तो जो मेंबर्स होते हैं AOP BOI एंड उनके रिलेटिव, ये सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, तो अगर इनको पेमेंट होता है तो आपका सेक्शन 40A2 अप्लाई हो जाएगा, अप टू फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ, ऊपर का आपका डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता बेटा सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A3 टॉक्स अबाउट अगर आपने पेमेंट किया सिंगल पर्सन सिंगल डे, कोई भी पेमेंट अगर आपने किया सिंगल पर्सन सिंगल डे अगर पेमेंट किया है बेटा, ठीक है, एंड दिस इज ₹10,000 ज्यादा है, एंड दिस इज अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, तो बेटा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा, अप टू 10,000 चलेगा। तो अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000 पेड बाय कैश, बैरेट चेक या क्रॉस चेक के अंदर, ठीक है। एनी पेमेंट बेटा सेक्शन 30 से लेकर 37 तक जितने एक्सपेंस कवर होते हैं, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उनके केस में भी एनी पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसिस कवर्ड अंडर सेक्शन 30-37 एक्सेप्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉइज, बताता हूँ, ठीक है, इन कैश और अदरवाइज एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ पर्सन इन अ डे, सिंगल पर्सन सिंगल डे, तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अब देखो, इधर देखो, अगर आपने पेमेंट किया एक्सपेंडिचर का और वो जो एक्सपेंडिचर का पेमेंट है बेटा वो अप टू 10,000 है, तो आप किसी भी मोड से पेमेंट करो, वेदर पेड इन कैश और अदर देन कैश, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप एम्प्लॉयज हेल्थ के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, तो एम्प्लॉयज हेल्थ के लिए वहां पे कंडीशन था कि बेटा अगर ₹1 भी पे कर रहे हो तो अदर देन कैश पे करना है आपको, ठीक है। एम्प्लॉयज हेल्थ तो अदर देन कैश मतलब बैरेट चेक, क्रॉस चेक में चलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज हेल्थ के लिए वहां पे आपको अगर सिंगल रुपी भी पेमेंट करना है तो अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है। तो अप टू 10,000 आप बाकी जो पेमेंट है अप टू 10,000 किसी भी मोड से करो, वेदर कैश, बैरेट चेक, क्रॉस चेक, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन। सिर्फ एम्प्लॉय हेल्थ के केस में
आपको अदर देन कैश करना पड़ेगा अप टू 10,000। तो यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे लिख देना, ये वाले पार्ट के यहाँ पे नीचे लिख देना, इन केस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज हेल्थ अदर देन कैश, ठीक है, अदर देन कैश। तो कैश में नहीं चलेगा उस केस में, बाकी किसी मोड से बैरेट चेक क्रॉस चेक में पेमेंट करो चलेगा। उसके अलावा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज उसके अलावा कोई पेमेंट है बेटा, तो अप टू 10,000 तो बैरेट चेक में भी चलेगा, क्रॉस चेक में भी चलेगा और कैश में भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो पेमेंट है वो एग्रीगेट अमाउंट अबव रुपीज 10,000, मतलब सिंगल पर्सन सिंगल डे पूरे दिन में एक ही आदमी को अगर वो एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000, अब चाहे आपका एम्प्लॉयज हेल्थ के लिए मेडिक्लेम प्रीमियम क्यों ना हो, अब चाहे एम्प्लॉयज हेल्थ के लिए मेडिक्लेम प्रीमियम क्यों ना, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। पेड बाय कैश, बैरेट चेक, क्रॉस चेक, अगर आपने पेमेंट किया है 10,000 से ज्यादा सिंगल पर्सन सिंगल डे और वो पेड बाय कैश, बैरेट चेक और क्रॉस चेक, तो वो तो हो जाएगा डिसअलाउ। और अगर आपने पे किया है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS से, तो अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन पूरा का पूरा। सो इधर फुल्ली डिसअलाउ बेटा, अगर आपने अप टू 10,000 पेमेंट किया तो कोई भी मोड से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एम्प्लॉय हेल्थ के केस में आपको अदर देन कैश करना पड़ेगा, ठीक है, कैश में किया तो डिसअलाउ। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक्सीडिंग 10,000 का पेमेंट कर रहे हो और वो पेड बाय कैश, बैरेट चेक, क्रॉस चेक, सपोज 11,000 का पेमेंट किया, 11,000 का पेमेंट 6,000 कैश में किया एंड 5,000 का बैरेट चेक में किया, तो फुल्ली डिसअलाउ जाए, क्योंकि एक्सीडिंग 10,000, तो बेटा ये यहाँ पे डिसअलाउ की जगह आगे लिख देना फुल्ली डिसअलाउ, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा जितना अमाउंट है 10,000 से ऊपर। और अगर बेटा वहां पे आपका अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS से पेमेंट करते हो एक्सीडिंग 10,000, तो वो उसका डिडक्शन मिल जाएगा फुल्ली, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। समझ में आ गया बेटा ये? और ये ट्रांसपोर्टर केस में लिमिट कितना है? 35,000, ठीक है, ट्रांसपोर्टर केस में लिमिट 35,000, ये नीचे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर पेमेंट अप टू 35,000 अलाउड इन कैश। अच्छा, उसके अलावा भी जो ऊपर भी जो 10,000 वाला, उसमें भी एक्सेप्शन दे रखे हैं कि भाई सबके केस में पॉसिबल नहीं है कि 10,000 से ज्यादा आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ECS में पे कर पाओ। ECS मतलब NEFT, RTGS, IMPS, UPI, ये सब ECS में आते हैं। चाहो तो बेटा लिख देना है वहां पे ECS के अंदर क्या आता है, RTGS, NEFT, IMPS, UPI, UPI के अंदर गूगल पे, फोन पे, भीम पे वगैरह सारे के सारे आ गए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ECS का फुल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो बेटा जनरल रूल क्या बोलता है कि भाई अप टू 10,000 किसी भी मोड से चलेगा, एक्सेप्ट जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें अदर देन कैश होना चाहिए। फिर 10,000 से ऊपर सिंगल डे सिंगल पर्सन करोगे तो बेटा वो कंपल्सरीली अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS होना चाहिए, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि बेटा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर केसेस के अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो 10,000 से ज्यादा भी अगर वहां पे आपने कैश में पेमेंट किया, बैरेट चेक में किया, तो चलेगा। और वो बेटा क्या है, रूल 6DD के अंदर एक्सेप्शन दे रखे, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40A3 रूल 6DD, ठीक है, इसका की है बैग लेके, तो दो बैग भर के पैसा लेकर के जाओगे तो कितना भी आप कैश में पेमेंट करो अलाउ हो जाएगा। तो नो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 शैल बी मेड इन केस ऑफ सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाइड देयर अंडर। तो अगर आपने कैश में पेमेंट किया एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो बैंकिंग फैसिलिटी, कि आप ऐसे गांव में जाकर के पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, कैश में पेमेंट करो अलाउ हो जाएगा। या फिर आपने पेमेंट किया है उस जिस दिन बैंक्स क्लोज हो, अब जैसे कल संडे, ठीक है, अब आपका कोई एम्प्लॉय उसको पेमेंट करने का, सैलरी देने का है, या फिर किसी को भी पेमेंट करने का है और वो बोल रहा है सर मेरे को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, मेरे को आज का आज पेमेंट करना कंपलसरी है, तो उस केस में अगर आपने पेमेंट किया, क्या लिखा है, पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड, मतलब करना ही करना, कोई ऑप्शन ही नहीं आपने आपके पास में, ठीक है, ऑन द डे ऑन विच बैंक्स आर क्लोज, तो बैंक हॉलीडेज के दिन पेमेंट करोगे तो कैश में करोगे पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, भले वो 10,000 से ज्यादा क्यों ना हो। यहां तक कि अगर आपने बैंक को ही पेमेंट किया है, LIC को पेमेंट किया, UTI या किसी और को पेमेंट किया, तो वो भी आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट किया है, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट,
और वो अप टू 50,000 है, कैश में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी पे किया है जिसका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से कहीं और में पोस्टिंग है जहां पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है, सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है उसका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी मुंबई है, लेकिन मैं उसको सपोज 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए, मोर देन 15 डेज के लिए मैं एक ऐसी जगह पे भेज देता हूँ जहां पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है। बैंकिंग फैसिलिटी है वहां पे, लेकिन उसका वहां पे बैंक अकाउंट नहीं है, तो अगर उसको मैं सैलरी का पेमेंट करूंगा तो फिर उसको भी कितना भी कैश में करो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर पेमेंट टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो जैसे जीएसटी का पेमेंट, तो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को होता है तो वो कैश में करूंगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। अगर मैं वहां पे पेमेंट कर रहा हूँ पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, बेटा ये प्रोसीजर को प्रोड्यूसर कर देना, प्रोड्यूसर्स ऑफ, ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गांव वाले गरीब लोग, तो गांव वाले गरीब लोग किसके प्रोड्यूसर होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर विदाउट एड अ पावर लाइक पापड़, पिकल, टॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ऐसे लोगों को पेमेंट कर रहा हूं जो प्रोड्यूसर्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह वो उनके प्रोड्यूसर्स है, या फिर वो लोग प्रोड्यूसर्स है पोल्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उन लोगों को अगर डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उन लोगों को अगर मैं बेटा पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए, उन लोगों को अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो कैसे भी कैश में करूं कितना भी करूं चलेगा, वो अलाउ हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सेप्शन हो गए कि आप कैश में पेमेंट करोगे अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा कोई है तो सिंगल पर्सन सिंगल डे अगर वहां पे एक्सीडिंग 10,000 हुआ तो अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदर देन ईसीएस पेमेंट किया तो फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता बेटा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। इनफैक्ट किसी भी तरह का प्रोविजन आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता है, या फिर कोई भी रिजर्व्स भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैं इसको आपको समरी में ये वाला प्रोविजन वाला बता, ग्रेच्युटी वाला बता देता हूं। सपोज अगर मैंने पेमेंट किया है ग्रेच्युटी की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेच्युटी का आपने पेमेंट किया है, तो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने एक्चुअल का ग्रेच्युटी पेड किया है, ग्रेच्युटी पेड, तो बेटा एक्चुअल एक्सपेंस है, मैंने एम्प्लॉय को पे किया है, वो अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, अलाउड अंडर सेक्शन 37(1) में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा अगर मैं ग्रेच्युटी का पेमेंट ने करके ग्रेच्युटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, सेक्शन 36(1) ग्रेच्युटी फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट, तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, तो एक फंड बनाया है उसके अंदर सारी एम्प्लॉयज की ग्रेच्युटी का हम, क्योंकि देखो ग्रेच्युटी आपको हो सकता है कि भाई हर साल एम्प्लॉयज को पे करना पड़े, जैसे जैसे कि रिटायर होते जाएंगे रोटेशन के बेसिस पे, तो हमको ग्रेच्युटी पे करना पड़े, तो आप पहले से क्या करते हो प्रोविजन बना के चलते हो। तो प्रोविजन में तो क्या होता है बेटा कि आप बुक्स में प्रोविजन बना रहे हो, एक्चुअल में कोई पैसा आप सेव नहीं कर रहे हो, बट जब कभी भी कोई ग्रेच्युटी फंड आपने बनाया है और उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एवरी ईयर एक्चुअल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 36(1) के अंदर, हमने पढ़ा था 36(1), बट एज पर सेक्शन 43(b) के हिसाब से, ठीक है, सेक्शन 43(b) अभी वही पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 43(b) के हिसाब से कि ड्यू डेट से पेमेंट किया तब तो डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। और तीसरा आता है अगर आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, तो बेटा प्रोविजन का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, डिसअलाउ हो जाएगा, नो डिडक्शन, डिसअलाउ, ठीक है। तो ग्रेच्युटी अगर आपने एक्चुअली पे किया, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा 37(1) के अंदर। अगर ग्रेच्युटी फंड के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट किया तो एक्चुअल पैसा खर्च हो रहा है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा 36(1) के अंदर, बट अगर आपने प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फिर सेक्शन 43(b) भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 43(b) क्या बोलता है, सेक्शन 43(b) बोलता है कि डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, अगर आप पेमेंट करोगे अप टू ड्यू डेट फाइल लेटर ऑफ इनकम तब तो डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ दीज आर पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) अप टू द ड्यू डेट, कल हमने डिस्कस किया था अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने पेमेंट कर दिया तब तो उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज उस साल में तो डिसअलाउ हो जाएगा, और इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली पेड। अब ये कौन कौन से, तो इसका कीवर्ड दे रखा है रेलवे में बैठकर टीवी पर आईपीएल देखना है, आईपीएल देखना है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एक्सपेंस, नीचे लिस्ट दे रखा है कि अगर आपने रेलवे का कोई असेट यूज किया है, सपोज आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर एक स्टॉल रेंट पे लिया,
रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने क्या किया, एक स्टॉल रेंट पे लिया जहां से आप अपना बिजनेस चलाते हो। अब आपको रेलवे को रेंट पे करना है, रेलवे क्या पे करना बेटा, रेंट पे करना है, और वो पूरे साल प्रीवियस ईयर 2021 का जो रेंट है आपने पूरे साल में पे ही नहीं किया। तो क्या बोलता है गवर्नमेंट कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि ठीक है अगर आपने पूरे साल में पे नहीं किया कोई बात नहीं है, आप उसका पेमेंट कर दो अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने वो रेंट का पेमेंट कर दिया रेलवे को अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब तो प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर ही डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं किया बेटा, तो प्रीवियस 2021 जिस साल का खर्चा है उस साल में तो डिसअलाउ हो जाएगा, एंड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली पेड, इन विच इट इज एक्चुअली पेड। ठीक है, तो रेलवे एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ असेट ऑफ रेलवे। फिर आता बेटा एनी टैक्स ड्यूटी सेस लेवी इंटरेस्ट पेबल टू गवर्नमेंट। अगर आप वहां पे गवर्नमेंट को कोई जीएसटी का पेमेंट करना था, जीएसटी कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना था, उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने ड्यू डेट से पेमेंट किया तब तो डिडक्शन मिल जाएगा रेलवे प्रीवियस में, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा, जब पेमेंट करोगे तब मिलेगा। फिर आता बेटा बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। अगर आपने एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन पे करना था और अप टू ड्यू डेट कर दिया तब तो डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज उस साल में डिसअलाउ हो जाएगा, जिस साल पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ हो जाएगा। फिर आता बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पीएफआई, एसएफसी, एसआईसी, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, ये हम अलग अलग पढ़ चुके हैं, अभी एक साथ में आ रहा 43B। ठीक है, तो अगर आपने इन लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट करना था एंड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब तो क्या डिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अदरवाइज विल बी डिसअलाउड एंड इट विल बी अलाउड व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। ठीक है, फिर तो बेटा आपका प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के अंदर आरपीएफ, एसपीएफ के अंदर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर, तो अगर ड्यू डेट से पेमेंट किया तब तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होगा, अभी तो डिसअलाउ हो जाएगा। एंड लीव सैलरी वाला भी हम पढ़ चुके हैं कि लीव सैलरी केस में ड्यू डेट से पेमेंट कर जाते तो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। ये प्रोफेसर नोट में बेटा नीचे ये लिखा है कि पेमेंट इज मेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली पेड। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, अब आता है बेटा नेक्स्ट सेक्शन 40b। 40b का डिडक्शन, अच्छा एक बेटा सेक्शन 40a2 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, एक्सेस पेमेंट रिलेटिव, एक सेक्शन 40a3 भी इंपॉर्टेंट है, वो एक्सीडिंग ₹10,000 सिंगल परसेंट सिंगल डे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मार्क कर लेना। 40a2, 40a3, सेक्शन 40a2 एक्सेस पेमेंट रिलेटिव और सेक्शन 40a3, ठीक है, एक्सीडिंग ₹10,000 सिंगल परसेंट सिंगल डे। ओके, अब देखो बेटा यहां पे सेक्शन 40b बात करता है जो पार्टनरशिप फर्म है पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है, सैलरी पे करती है। तो बेटा इसमें क्या होता है पता है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे करेगी। बोले सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यह फर्क पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म के जो पीएनएल अकाउंट है उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेंगे। भाई अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है तो मतलब उसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा और उससे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी ज्यादा पे कर रही है बेटा तो इन दैट केस वहां पे ठीक है पार्टनरशिप फर्म के पीएनएल के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेंगे, उससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड कम प्रॉफिट होगा तो बेटा जो पार्टनरशिप फर्म को टैक्स लगता है ₹30, कितना परसेंट, 30%, वो टैक्स भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, मतलब तो ऑलवेज पार्टनरशिप फर्म क्या करती है कि अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम इंटरेस्ट देती है, अपने पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन सैलरी देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर पाए। ठीक है, तो सर आप बोलोगे कि अल्टीमेटली सर पार्टनरशिप फर्म ने डिडक्शन क्लेम कर लिया, उसने अपना प्रॉफिट कम किया, लेकिन पार्टनर को तो ज्यादा पैसा मिल गया ना, पार्टनर को ज्यादा पैसा मिल गया तो सर पार्टनर के हैंड में तो टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए जो टैक्स रेट होता है वो 30% होता है, जबकि पार्टनर्स के लिए जो टैक्स रेट होता है वो स्लैब रेट से होता है और उसमें भी 2.5 लाख का बीसीएमएचएल लिमिट है। पार्टनरशिप फर्म को कोई बीसीएमएचएल लिमिट नहीं मिलता। और मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि एक फर्म है, एक फर्म का 12 लाख का प्रॉफिट बन रहा है, 12 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। अब बेटा वो 12 लाख का प्रॉफिट है, मान लो उस फर्म के 3 पार्टनर है, ए बी एन सी, 3 पार्टनर है बेटा। तो फर्म ने क्या प्लान बनाया कि 12 लाख है ये तीनों पार्टनर को बांट दो एज ए इंटरेस्ट और एज ए रेम्यूनरेशन। तो तीनों को सपोज इसको 4 लाख दे दिया इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, इसको भी 4 लाख दे दिया इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, इसको भी 4 लाख दे दिया। ठीक है,
तो बेटा पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? निल। तो टैक्स जो 30% से लगना था वो भी क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है 12 लाख रुपीज के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स बचा लिया। तो आप बोलोगे सर पार्टनर के हैंड में टैक्स बोलोगे, अब पार्टनर के हैंड में इनकम बढ़ गया बेटा ए बी सी, तो ये पहले तो ये सब लोग 2.5 लाख का वहां पे बेसिक एग्जेम्पशन लेंगे, ये सब लोग वहां पे 2.5 लाख का क्या लेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेंगे 250 250 250। ठीक है, तो बेटा आ गया 150 150 एंड 150 इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा पहले तो 7.5 लाख तो वैसे ही कम हो गया, 30% टैक्स उसके ऊपर तो वैसे बच गया। अब 150 150 इसके ऊपर सपोज टैक्स है 5% स्लैब रेट में, 5% और 5%, तो ये हो जाएगा 7500 एंड 7500। ये इतना टैक्स आया। अब उसमें से बेटा ये 87A का रिबेट ले लेगा तो पूरा 7500 का रिबेट मिल गया, तो बेटा टैक्स यहां पे क्या आया? निल आ गया। टैक्स क्या आ गया बेटा? निल आ गया। टैक्स तीनों केस में निल आ गया, तो इसका मतलब ना पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स भरा जहां पे 12 लाख के ऊपर 30% फर्म टैक्स भरता, एट द रेट 30% मतलब 360,000 का टैक्स भरता पार्टनरशिप फर्म, वहां पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा? तो ये इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म चीटिंग करती है पार्टनर्स को इनकम डाइवर्ट करके। ठीक है, तो मैक्सिमम ये लोग पे करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 20% पर एनम से इंटरेस्ट पे कर रहा है। कितना कितना बेटा? 20% पर एनम से इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या किया, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, और वो सेक्शन था आपका सेक्शन 40b, सेक्शन 40b इंट्रोड्यूस किया। और सेक्शन 40b क्या बोलता है बेटा, कि जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन रेम्यूनेशन बोनस एक्सेट्रा देगा बेटा, तो उसके ऊपर 40b का लिमिट अप्लाई हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन फर्म को उतना ही मिलेगा, फर्म को मैक्सिमम डिडक्शन उतना ही मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना भी पे कर दे वो उनका आपस का मैटर है, बट जो फर्म को डिडक्शन मिलेगा पीजी में से वो 40b के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम ये लिमिट है, ये 40b लिमिट की बात करता है। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या बोलता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनरशिप फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन सैलरी कमीशन रेमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू पार्टनर्स व्हिच इज मैक्सिमम अलाउबल एज डिडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अंडर सेक्शन 40b एज फॉलो, ये लिमिट की बात करता है। अब बेटा इंटरेस्ट के केस में देखो कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, कि इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर वहां पे पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में एक डीड है राइटिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर एक पार्टनरशिप डीड है और उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन कि देयर मस्ट बी अ डीड इन राइटिंग एंड उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसमें लिखा हुआ मिस्टर सी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर भी सी को इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो बेटा फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा। वो फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउ, क्यों? पार्टनरशिप डीड में देयर इज नो प्रोविजन कि सी को वहां पे इंटरेस्ट मिले। अंडरस्टूड बेटा? तो उस केस में अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड है राइटिंग के अंदर, और सबसे बड़ी बात है उस डीड के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर सी को, मिस्टर बी को, मिस्टर ए को, अगर लिखा मिस्टर सी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद भी फर्म अगर पार्टनर मिस्टर सी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, समझ में आया? ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और कैपिटल टू द पार्टनर्स इज अलाउड एज डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। अच्छा, ये इंटरेस्ट का लिमिट है, ये किसके ऊपर है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी है। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, नंबर वन। दूसरा, इंटरेस्ट शुड बी फॉर द पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। सपोज पार्टनरशिप डीड बना 11th August 2020 को ये डीड बना है, उस दिन ये डीड बना है। अब फर्म ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया पार्टनर को, और ये कौन से पीरियड का था? प्रीवियस ईयर 2019-20 का इंटरेस्ट पे किया है। बेटा क्या 1920 में डीड था क्या? क्या 1920 में डीड था क्या? नो, देयर वाज नो डीड। फिर भी उसके पहले का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म पे करने को तो कुछ भी कर सकती है, बट इट विल बी नॉट अलाउड एज डिडक्शन। हाउएवर, अगर फर्म ने इस डेट के बाद का अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो बेटा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशनों की, पहला देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग,
और दूसरा इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, और तीसरा जो इंटरेस्ट होगा इट शैल बी ठीक है फॉर द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस तरीके से नहीं हो सकता, अगर दे भी दिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा फर्म को। हाँ, अगर इस तरीके से इसके बाद का इंटरेस्ट पे किया है तो डिडक्शन मिल जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, वो मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से ही वहां पर डिडक्शन मिलेगा। अब बताओ मैक्सिमम लिमिट है क्या? मैक्सिमम लिमिट है अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच एवर इज लोअर। एक तो इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, दूसरा इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड, और तीसरा इंटरेस्ट एज पर लिमिट अंडर सेक्शन 40B, और वो है मैक्सिमम 12%। बेटा हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे ये केस वन लेते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, और जरूरत पड़ेगी तो फाइव ले लेंगे। अब देखो इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम लेते हैं वहां पे कि जो इंटरेस्ट पे कर रखा है एक्चुअली, दिस इज सपोज 18%, ये एक्चुअली इतना पे किया है। डीड बोलता है मैक्सिमम 15% पे करना था, और 40B का लिमिट क्या बोलता है इस पर इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम 12% का पे करना था। ठीक है, तो बेटा अलाउ क्या हो जाएगा, अलाउ कितना हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो 12% अलाउ हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए डिसअलाउ कितना होगा, तो डिसअलाउ हो जाएगा 18% पे किया, 12% अलाउ होना चाहिए था, तो बेटा 6% डिसअलाउ हो जाएगा। 6 कैसे, 18 आपने पे किया ठीक है, और 12 आपको पे करना था, तो 6% डिसअलाउ हो गया। समझ में आ रहा बात बेटा? दूसरा एग्जांपल, सपोज पे किया 15, डीड बोलता था 18, और मैक्सिमम 12%, अलाउ कितना होगा 12%, डिसअलाउ कितना होगा 3%। सर 3 कैसे, 15 आपको आपने पे किया और 12 वहां पे आपका 15 माइनस 12 अलाउ हो रहा है, ये 12 अलाउ हो रहा है, तो 3% क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज बेटा पे किया है 9%, डीड बोलता है 14%, मैक्सिमम कितना है 12%, तो यहां पे कितना अलाउ, विच एवर इज लोअर, 9% अलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ क्या होगा सर, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। सपोज पे किया है 15% ठीक है, डीड बोलता है 10% ही पे करना था, और मैक्सिमम 12%, तो अलाउ कितना होगा, विच एवर इज लोअर, 10% अलाउ हो जाएगा, और डिसअलाउ कितना होगा, जितना पे किया उसमें से जितना अलाउ होगा, तो 5% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। 5% क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चार केस आपको समझ में आया, चार अलग अलग केस की, भाई कितना पे किया है, कितना डीड एज पर डीड होता है, और कितना वहां पे मैक्सिमम 12% वो तो है ही, मैक्सिमम इज 12%, विच एवर इज लो अलाउ हो जाएगा, और जितना पे किया और जितना अलाउ होता है उन दोनों का डिफरेंस बेटा आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। डन बेटा, डन। चलो ये तो हो गया बेटा इंटरेस्ट के केस में। अभी इंटरेस्ट में प्रोफेसर नोट दे रखा है कि जो 40B का लिमिट है वो वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन, कि भाई अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कर रहे हो आप, चार्ज भी कर रहे हो पार्टनर से, तो बेटा उस केस में वो सेट ऑफ में ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7% है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमको 15% देना है, तो बेटा वो सेट ऑफ कर दे तो 8%। नहीं नहीं नहीं, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता ये तो हो गया बेटा 40B के अंदर लिमिट किसके लिए, इंटरेस्ट का। तो ध्यान रखना 40B के अंदर इंटरेस्ट का, एक पार्टनरशिप हम पार्टनर को पे करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट इज 12%, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता बेटा पार्ट बी 40B के अंदर ही, कि अगर एक पार्टनरशिप हम पार्टनर्स को सैलरी पे करता है, कमीशन पे करता है, रेमुनरेशन पे करता है, किसको, पार्टनर्स को, तो बेटा यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई देन सैलरी कमीशन रेमुनरेशन पे टू वर्किंग पार्टनर शुड बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। देखो बेटा डिडक्शन तो मिलेगा सेक्शन 37(1) के अंदर ही, एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 37(1) के अंदर मिलता है, 40B इज द लिमिट, 40B लिमिट की बात करता है कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये 40B बात करता है।
बट देर आर ऑल्सो कंडीशन. ये कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन आता है कि जो भी आपका पार्टनर्स है उनके बीच में एक डीड होना चाहिए, और जो डीड है एज पर पार्टनरशिप डीड वो रेमिनिशन सैलरी ऑथराइज होना चाहिए. अगर वहां पे लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई को डीड के अंदर लिखा हुआ है इन दोनों को सैलरी मिलेगा, ठीक है, लेकिन जेड को सैलरी नहीं मिलेगा बेटा, उसके बावजूद भी जेड को सैलरी दिया जा रहा है, तो वो फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा. वो फुल्ली क्या हो जाएगा? डिसअलाउ, क्योंकि डीड बोल ही नहीं रहा है कि उसको सैलरी देना है. समझ में आया बात? मतलब ये एकदम इंटरेस्ट के जैसा ही केस है. दूसरा बेटा, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को जो पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो सपोज पार्टनरशिप डीड बोलता है कि एक्स को सैलरी मिलेगा, वाई को सैलरी मिलेगा, लेकिन जेड को सैलरी नहीं मिलेगा, फिर भी अगर जेड को सैलरी दिया तो ये डिसअलाउ हो गया. सपोज एक्स वहां पे वर्किंग पार्टनर है और जो वाई है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, भले डीड ने बोला हुआ है कि उसको सैलरी मिलेगा, बट उस केस में भी वो डिसअलाउ हो जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाली वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी दिया है वही खाली अलाउ होगा. अंडरस्टूड बेटा? तो आगे लिखता है, ए पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर देन फुल्ली डिसअलाउ, वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है, अब देखो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन. तो अमाउंट एक्चुअली पेड, फिर अमाउंट एज पर पार्टनरशिप डीड, और अमाउंट एज पर लिमिट अंडर सेक्शन 40B व्हिच एवर इज लोअर. सेम, एक तो जो पे किया है वो, दूसरा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो, और तीसरा 40B के हिसाब से जो होता है वो, व्हिच एवर इज लोअर. अब देखो उधर तो 40B के हिसाब से इंटरेस्ट में तो मैक्सिमम 12% था, यहां पे ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, बट आपको 40B के हिसाब से लिमिट निकालना पड़ेगा. अब वो 40B के हिसाब से लिमिट कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो, अगर आपको बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट, ठीक है, बुक प्रॉफिट है, और वो बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख है. देखो, अगर आपको लॉस है, अगर आपको लॉस है फिर भी सैलरी तो देना पड़ेगा आपको भाई. लॉस हुआ तो भी एम्प्लॉइज को सैलरी देना पड़ता है, पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ेगा. तो अगर बेटा लॉस है तो लॉस के केस में 150 मैक्सिमम 1,50,000 सारे पार्टनर्स को मिलाकर, क्या मैक्सिमम सारे पार्टनर्स को मिला के 150 का ही डिडक्शन मिलेगा. तो सपोज आपको लॉस था वहां पे, क्या था बेटा? बुक लॉस था, और आपने तीन पार्टनर जो कि तीनों वर्किंग थे सपोज, और तीनों के लिए डीड में अलाउ था, उनको 75 और 75 का पेमेंट किया. तीनों वर्किंग है, तीनों को डीड में दे रखा है, लेकिन 75 75 75, तो बेसा 225 का पेमेंट कर दिया. लेकिन लॉ क्या बोलता है कि 225 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, या आपने पेमेंट किया 225. अच्छा, आपका डीड भी यही बोलता है. तो देखो इधर, देखो इधर आपने टोटल पेमेंट कितना किया, एक्चुअली पेड 2,25,000. सपोज डीड भी यही बोलता है 2,25,000, लेकिन क्योंकि वहां पे लॉस है बेटा, लॉस है, तो मैक्सिमम 150 का ही डिडक्शन मिलेगा. तो विच एवर इज लोअर, तो डिडक्शन कितना हो जाएगा? ₹150 का डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, उस केस में बेटा जब फर्म को 150 का डिडक्शन मिला बेटा, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है 75 75 75. तो बेटा उस केस में जब फर्म को 150 का डिडक्शन मिला है, तो पार्टनर्स के लिए भी इनकम कितना हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टों के 50 50 एंड 50 इनकम हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? तो जितना फर्म को डिडक्शन मिलता है उतना ही पार्टनर के लिए इनकम होता है, ध्यान रखना. जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतना ही पार्टनर के लिए इनकम होगा, भले उसको पे 75 75 75 कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पार्टनर्स को आपने 75 75 75 पे कर दिया, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्म को 150 का डिडक्शन मिला, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो फर्म के केस में 75 डिसअलाउ हो गया. बात समझना, 75 क्या हो गया बेटा? डिसअलाउ. तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स लग गया. बोलो बोलो बेटा, टैक्स लग गया फर्म के हैंड में. तो इसलिए क्या बोला जाएगा कि भाई जब पार्टनर्स के हैंड में ये इनकम टैक्सेबल होगी, तो जितना फर्म को डिडक्शन मिला है, मतलब दैट इज ₹1,50,000, उतना ही पार्टनर्स के लिए इनकम होगा. तो तीनों पार्टनर्स को 50 50 50 ये पीजीपी इनकम हो जाएगा. कौन सा इनकम बेटा? सर, सैलरी पीजीपी इनकम. यस, इट विल बी पीजीबीपी इनकम फॉर पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है फर्म से, पार्टनर्स को फर्म से कमीशन मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बेटा? वो बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान रखना. टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू द फर्म. ये तो बेटा उस केस में, मान लो कि भाई अगर लॉस है, सपोज लॉस नहीं है प्रॉफिट है बेटा, सपोज देयर इज नो लॉस देयर इज अ प्रॉफिट, उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट है. क्या बेटा? अगर बुक प्रॉफिट है तो बुक प्रॉफिट के केस में आपको निकालना पड़ेगा कितना डिडक्शन रहेगा. देखो लॉस के केस में तो 150 फिक्स है कि भाई लॉस के केस में 150 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन मिल नहीं सकता जितने भी पार्टनर्स हो उन सब का मिला करके. ठीक है,
लेकिन अगर बेटा वहां पे लॉस नहीं है और बुक प्रॉफिट है तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालोगे, तो उस तरह से निकालोगे। देखो लिमिट अंडर सेक्शन 40B, तो इन केस ऑफ बुक लॉस 150। अच्छा आप बोलोगे सर ये 150 और 90% बुक प्रॉफिट भी दे रखा है, तो बुक लॉस के केस में अगर आप करोगे भी, मान लो अगर वहां पे 1,00,000 का आपको बुक लॉस है, तो उसका 90% दो -90,000 इंटू वन और -90 और 150 विच इज हायर, तो ऑलवेज हायर वो पॉजिटिव अमाउंट ही होगा। समझा क्या बेटा? अगर लॉस के केस में अगर आप उसका 90% लेते हो तो ऑलवेज नेगेटिव अमाउंट आएगा, और वो नेगेटिव अमाउंट और 150 पॉजिटिव विच एवर इज हायर, तो क्या होगा 150 होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 150 का ही डिडक्शन लॉस के केस में मिल सकता है। हाउएवर अगर प्रॉफिट है बेटा, तो प्रॉफिट के केस में आप देखोगे कि बुक प्रॉफिट कितना है। तो सपोज अगर बुक प्रॉफिट ₹3,00,000 है, अगर बुक प्रॉफिट ₹3,00,000 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 150 और 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर लेना है। सपोज मेरा बुक प्रॉफिट 1,00,000 है बेटा, मेरा बुक प्रॉफिट कितना बेटा 1,00,000, तो अप टू 3,00,000 है बेटा, तो उस केस में मेरा बुक प्रॉफिट एग्जैक्ट 1,00,000 है, तो 90% ऑफ 1,00,000 कितना होता है बेटा 90,000 पॉजिटिव, और 150 विच एवर इज हायर, तो 150 हायर हो जाएगा। सपोज मेरा बुक प्रॉफिट बेटा 2,00,000 है, कितना है, कितना 2,00,000, ये भी अप टू 3,00,000 है, तो 2,00,000 का 90% कितना होता है बेटा 1,80,000, 180 और 150 विच एवर इज हायर, तो कितना 180 आ जाएगा यहाँ पे। सपोज मेरा बुक प्रॉफिट एग्जैक्ट 3,00,000 है, सपोज मेरा बुक प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना बेटा 3,00,000 है, तो उस केस में बेटा 3,00,000 का 90% मतलब 270 और 150 विच एवर इज हायर कितना, तो 270 हो जाएगा, राइट ठीक है। लेकिन सपोज मेरा बुक प्रॉफिट 5,00,000 है, कितना है, कितना मेरा बुक प्रॉफिट बेटा 5,00,000 है, तो उस केस में अप टू 3,00,000 तो मुझे वही करना है कि 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 3,00,000, 270 और 150 विच एवर इज हायर, 270 आ गया, बचा सर मैंने बोला 5,00,000 है, तो भाई 3,00,000 का तो हो गया, जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है 2,00,000 का, क्योंकि मेरा टोटल बुक प्रॉफिट ही वहां पे आपका 5,00,000 है, तो 5,00,000 में अप टू 3,00,000 का तो 90% मतलब दैट इज 270 और 150 विच एवर इज हायर 270, और जो 2,00,000 है उसका बेटा 60% ऑफ सच बैलेंस बुक प्रॉफिट, तो 60% ऑफ 2,00,000, तो ये हो जाएगा बेटा 1,20,000। तो इस केस में मेरा टोटल वहां पे 40B के हिसाब से लिमिट कितना आया, 270, 290 और 3,90,000, ये मेरा लिमिट आ गया 40B के हिसाब से। अब सपोज बेटा मान लो ये 390 आ गया लिमिट, सपोज वहां पे तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर को 150 का पे कर रखा है, ये एक्स वाई जेड है और तीनों वर्किंग है, सपोज एक्स वाई जेड तीनों का सैलरी का उसमें दे रखा है, और ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है और ये भी वर्किंग है, और सपोज इसको 150 पे किया है, इसको भी 150 पे किया है और इसको भी 150 पे किया है, ठीक है, तीनों को टोटल कितना पे कर रखा बेटा 4,50,000 पे कर रखा है, तो मैं यहां पे एक्चुअली पेड लिख दूंगा 4,50,000, ठीक है, एज पर डीड भी सेम ही है, तो मतलब बार बार वही अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा अमाउंट एक्चुअली पेड एज पर डीड, तो 450 वापस ये वाला स्टेप नहीं भी लिखूंगा चलेगा, ठीक है, और लिखना हो तो लिख दो 450। अब देखो मेरा बुक प्रॉफिट कितना है, मेरा बुक प्रॉफिट है 5,00,000, तो 5,00,000 के ऊपर मैंने वहां पे निकाला, तो फर्स्ट 3,00,000 के ऊपर 90% दैट इज 270 और 150 व्हिच इज हायर 270, और बचा हुआ 2,00,000 के ऊपर 60% दैट इज 120, तो टोटल हो गया 3,90,000 मेरा 40B के हिसाब से। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा ₹3,90,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा विच एवर इज लोअर, तो डिडक्शन मिल जाएगा 3,90,000, तो ये पार्टनरशिप हमको इतना डिडक्शन मिलेगा, मतलब डिसअलाउ कितना हो जाएगा, तो 450 पे किया है और 390 का डिडक्शन अलाउ हो गया, तो उसके ऊपर जो 60,000 है वो फर्म को डिसअलाउ हो गया, 60,000 फर्म को क्या होगा बेटा डिसअलाउ हो गया, फर्म मतलब उसके ऊपर टैक्स पे कर देगी, वो उसकी पीजीपी इनकम में डिसअलाउ हो गया फर्म को। तो अब देखो फर्म को अलाउ कितना हुआ 390, अलाउ कितना हुआ बेटा 390, तो पार्टनर्स के लिए कितना पीजीपी इनकम हो जाएगा, सो ऑल्दो उनको 150 पे कर रखा है, बट फिर भी क्योंकि फर्म को वहां पे आपका 390 अलाउ हुआ है, तो इसके लिए इनके केस में पीजीपी इनकम कितना हो जाएगा, तो 1,30,000 और 1,30,000, फिर उस केस में उनके लिए 150 पीजीपी इनकम नहीं होगा, भले उनको मिला उतना है, अंडरस्टूड बेटा, क्योंकि फर्म को अलाउ हुआ टोटल 390, तो उसी के एक्सटेंड में पार्टनर्स के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा पीजीपी इनकम हो जाएगा, अंडरस्टूड में समझ में आया बेटा। अब देखो बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो बुक प्रॉफिट निकालने का यहां पे फॉर्मेट दे रखा है,
कि जैसे आप इनडायरेक्ट मेथड से पीजीपी निकालते हो ना, वैसे ही फर्म के लिए आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा पीएनएल अकाउंट किसका, पार्टनरशिप फर्म, ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिख देना, ऑफ पार्टनरशिप। वैसे आपको ये निकालने को नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली दे रखा होगा पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट है इसमें पीएनएल अकाउंट, आप पार्टनरशिप फर्म का ले लो, उसके अंदर एक्सपेंसेस सारे के सारे डिसअलाउ कर दो विच आर डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट। जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग पीजीपी निकालते हैं वैसे ही करना है। तो व्हाटएवर एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउ, बल्कि डेप्रिसिएशन है इस पर बुक्स ऑफ अकाउंट डिसअलाउ कर दो, या फिर प्रोविजन से उनको डिसअलाउ कर दो जो पीएनएल में डेबिटेड है, ठीक है। पर्सनल अगर कुछ एक्सपेंसेस है उनको डिसअलाउ कर दो। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ होने हैं विच आर डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट उनको डिसअलाउ कर दो, एड बैक कर दो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सैलरी एक्सेट्रा पेड टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया भाई 20% के हिसाब से मान लो इंटरेस्ट पे कर रखा है, उसको भी डिसअलाउ करो, पीएनएल में डेबिटेड है। अगर पीएनएल में डेबिटेड है तो, अगर सैलरी पे कर रखा है बेटा ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे 150 150 150, तो 150 150 150 पूरा का पूरा डिसअलाउ करो अगर पीएनएल में डेबिटेड है वो, ठीक है। वो सब कुछ डिसअलाउ कर दो जो पार्टनर को भी दिया है, तो सब डिसअलाउ, वो एड कर दिया तो डिसअलाउ हो गया। फिर आप क्या करो, लेस करो एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30-37(1) डेप्रिशन का डिडक्शन दे दो। सेक्शन 30 से 37(1) सारे डिडक्शन दे दो, सिर्फ जो कि अनरिकॉर्डेड थे, सिर्फ किसको छोड़ करके, इंटरेस्ट सैलरी जो पार्टनर को वहां पे डिडक्शन देना है, पार्टनर को जो पेमेंट किया गया उसका डिडक्शन, उनका डिडक्शन मत दो, मतलब इंटरेस्ट और सैलरी को साइड में छोड़ दो, क्योंकि उनका तो कैलकुलेशन अभी करना है, बाकी सारे एक्सपेंसिस का डिडक्शन दे दो। फिर क्या करो बेटा, जो नॉन बिजनेस इनकम है पीएनएल में क्रेडिट है उनको आप क्या कर दो, वहां पे लेस कर दो, क्योंकि नॉन पीजीपी इनकम है। वो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये करने के बाद में बेटा जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एज पर सेक्शन 40B। बेटा आपने सारे डिडक्शन दे दिए, सारे एडजस्टमेंट कर दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट सैलरी कमीशन रेम्यूनेशन का जो पेमेंट किया है उसका डिडक्शन नहीं दिया, और जो पीएनएल में डेबिट था उनको हमने डिसअलाउ भी कर दिया, एड बैक कर दिया। अब बेटा क्या करो, आप उसमें से इंटरेस्ट अलाउड एज पर सेक्शन 40B जो कि मैक्सिमम ब्रैकेट में लिख देना मैक्सिमम 12% होता है, उसका डिडक्शन दे दो, उसका डिडक्शन दे दो मैक्सिमम एज पर 40B के हिसाब से उसका डिडक्शन दे दोगे तो ये आ जाएगा आपका बुक प्रॉफिट। फिर इस बुक प्रॉफिट को आपको वही करना है कि अप टू, अगर ये बुक, अगर मान लो ये बुक लॉस आता है तो मैक्सिमम कितना 150 का डिडक्शन मिल जाएगा, अगर ये बुक प्रॉफिट आता है तो अप टू 3 लाख के केस में 150 और 90% बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। अगर 3 लाख से ज्यादा होता है बेटा तो उस केस में अप टू 3 लाख, तो वही 90% ऑफ 3 लाख और 150 विच एवर इज हायर, और फिर बैलेंस का 60%, उन दोनों का टोटल कर लेंगे। समझ में आया बेटा, अंडरस्टूड? अब देखो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है आपका, वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन फ्रॉम ICA मॉड्यूल, अ फर्म हैज पेड 750 एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर। पहले ही बोल दिया कि 7,50,000 का रेम्यूनरेशन फर्म ने अपने पार्टनर को पे किया है फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 इन अकॉर्डेंस विद द विद इट्स, इसको 2021 कर दो, प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद इट्स पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में उतना ही बोलता है, तो एज पर डीड ये जो पेमेंट हुआ एज पर डीड है तो दोनों सेम अमाउंट आ जाएगा 750, एंड इट हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। What is the remuneration allowable as deduction? तो बेटा, तो वहां पे बात समझना, पेड कितना है 7,50,000 as per deed पेड कितना है 750, नंबर वन। और 40B के हिसाब से लिमिट कितना हो जाएगा बेटा, तो 40B के हिसाब से लिमिट निकालना पड़ेगा अपने को, अपने को बुक प्रॉफिट दे रखा 10 लाख, तो बेटा 10 लाख में से अप टू 3 लाख उसका हम क्या करते हैं 90% ऑफ 3 लाख, तो वो होता है 2,70,000 और 150 विच एवर इज हायर। तो बेटा हायर तो आपका 270 होगा वहां पे, तो ये आ गया 2,70,000, ठीक है। और जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है, तो बैलेंस है बेटा वहां पे आपका 7 लाख बच गया, 10 में से 3 लाख गया, तो उसके ऊपर 60%, तो वो हो गया 4,20,000। तो बेटा 4,20,000 270 प्लस 420, तो ये हो गया 6,90,000, ये हो गया एज पर सेक्शन 40B। तो 40B के हिसाब से 690 आपका आता था, तो विच एवर इज लोअर डिडक्शन कितना मिल जाएगा, तो
तो डिडक्शन मिल जाएगा 690, और डिसअलाउ कितना होगा, तो भाई 750 पे किया आपने तो 690 वहां पे अलाउ हो रहा है, तो 60,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ये देखो नीचे कर रखा है कि ऑन फर्स्ट 3 लाख, ठीक है, बुक प्रॉफिट 3 लाख का 90%, यहाँ पे डायरेक्ट 270 ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली 150 से ज्यादा है वहां पे, और बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, 420 टोटल आ गया 690, और द एक्सेस अमाउंट कितना है बेटा 750 पे कर रखा है, 690 अलाउ होना था, तो 60,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया बेटा? मॉड्यूल के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये रहा, ये तो वही है जो अभी मैंने आपको करवाया, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 4.248, इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिला बेटा। ओके, राव एंड जैन, राव एंड जैन अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग टू पार्टनर्स रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, ये उसका नेट प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो नेट प्रॉफिट है कुछ डिडक्शन नहीं दिए, सैलरी ऑफ ₹20,000 टू ईच, मतलब दो पार्टनर को, दोनों को पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर्स, दोनों वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज ऑथराइज बाय डीड बाय पार्टनरशिप, एज ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डीड भी उतना ही बोलता है। तो एक बात समझो, आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है वो बताया था, ये देखो ये बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट, ये मैंने बताया था। यहां पे मैंने क्या बोला था कि जो भी चीजें पीएनएल में डेबिटेड है उनको आप क्या कर दो, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दो, तो ये सैलरी भी हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। यहां पे ये जो सैलरी पे गया ऐड नहीं करना क्योंकि इसका डिडक्शन नहीं दे रखा पीएनएल में डेबिटेड नहीं, ये देखो क्या लिखा है बेटा, 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसका डिडक्शन देने से पहले, अंडरस्टूड बेटा, तो इसलिए हम इसको एड बैक नहीं करेंगे, एड बैक नहीं करेंगे। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 कंप्यूटेड 1,50,000, मतलब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन भी नहीं दिया, इसका तो डिडक्शन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% पर एनम एज पर डीड ऑफ पार्टनरशिप, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल टू इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज। देखो एक और चीज, ना तो सैलरी का डिडक्शन दिया है ना इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया है, तो बेटा जब हम डिसअलाउ करते थे ऊपर वहां पे फॉर्मेट के अंदर, ये दोनों चीजें ऐड बैक नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि इनका डिडक्शन ही अभी तक नहीं दे रखा है, समझना बात को, ठीक है। कुछ भी ऐड बैक नहीं करना है, खाली अपने को डिडक्शन देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का एक बार डिडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे क्या बोलते हैं, बुक प्रॉफिट क्या निकालना है आपको, एक तो बुक प्रॉफिट निकालना है और दूसरा अलाउबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर एज पर 40B। चलो दोनों निकाल लेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर आपका 13 है, पेज नंबर 4.248, पेज 4.248, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ICAI। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, एक तो बुक प्रॉफिट निकालना है और दूसरा निकालना है आपको, ठीक है, डिडक्शन उसके ऊपर। तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो आपको वहां पे दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, और वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 7 लाख रुपीज, तो मैंने 7 लाख लिख दिया बेटा। अब देखो डिसअलाउ होने वाला तो कोई आइटम ही नहीं है, क्योंकि सैलरी डेबिट किया ही नहीं है, इंटरेस्ट डेबिट किया ही नहीं, तो डिसअलाउ नहीं होना। अगर वो डेबिट कर रखा होता तो हम पहले यहां पे ऐड बैक करते, डिसअलाउ करते, बट कुछ भी डेबिट नहीं किया है तो हम वहां पे उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, तो डिसअलाउ होने वाला तो नहीं है। डिडक्शन किसी चीज का मिलना है, यस सर, सेक्शन 37 में लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-37(1). तो सर यहां पे दो डिडक्शन मिल सकते हैं, पहला तो मिलेगा आपका डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, जो कि कंप्यूट करके दे रखा है कितना है 1,50,000, तो वो डिडक्शन दे देंगे 1,50,000। अब बेटा ये जो आया, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B, जो भी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी, उनका डिडक्शन देने से पहले ही आया,
कितना 5,50,000 का प्रॉफिट आ गया। अब बेटा देखो अपने को बुक प्रॉफिट निकालना है तो एक और चीज डिडक्शन देना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हालांकि 15% पे कर दिया है, 15% क्या कर दिया बेटा पे। तो बेटा अपने को यहां पे डिसअलाउ कुछ नहीं करना है क्योंकि अलाउ ही नहीं किया था, पीएनएल में डेबिट ही नहीं किया था। अगर पीएनएल में डेबिट किया होता तो पहले डिसअलाउ करते और फिर हम 12% का डिडक्शन देते, बट क्योंकि पीएनएल में डेबिट किया ही नहीं है, भले 15% का पे कर दिया बट पीएनएल में डेबिट नहीं किया, डिडक्शन नहीं दिया, तो अपने को डिसअलाउ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ हम डिडक्शन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो मिलता है बेटा अंडर सेक्शन 36(1), आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जिसका डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 40B, एज लिमिट 40B बोलता है। और प्रोप्राइटर कैपिटल मैंने बोला नहीं मिलेगा क्योंकि सेम आदमी खुद को अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बेटा ये कितना मिलेगा देखो, तो ये तो क्या बोल रहा है कि हमने 15% के हिसाब से पे कर दिया और कुछ डेबिट नहीं किया है तो हमको डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा डिडक्शन तो देना पड़ेगा। और 40B कितना बोलता है, मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम कितना 12%, कितने के ऊपर 5 लाख के ऊपर, ये कैपिटल है इसका दोनों का मिला करके, तो 12% ऑफ 5 लाख ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया, कितना 60,000, ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट, ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट, कितना हो जाएगा बेटा 50 गया 10 गया 4,90,000 का बुक प्रॉफिट आ गया। अब बेटा बुक प्रॉफिट आ गया तो हम लोग डिडक्शन निकालेंगे वहां पे कि भाई कितना डिडक्शन, तो हम लोग निकालेंगे डिडक्शन एज पर सेक्शन 40B फॉर सैलरी। तो बेटा बात समझना, यहां पे पहले हम एक काम करते हैं वो निकाल लेते हैं 40B के साथ, तो 490 इज बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट रुपीज 4,90,000 है, तो इस केस में अप टू रुपीज 3 लाख हम क्या करते हैं बेटा, तो 150 और 90% ऑफ 3 लाख जो कि होता है 270, हमेशा फिक्स है वो, तो 270 विच एवर इज हायर, तो हम ले लेंगे 270, नीचे लिख देता हूं, तो ये आ गया बेटा 270। दूसरा जो बैलेंस बचा, बैलेंस रुपीज 1,90,000, 490 में से 3 लाख गया तो उसके ऊपर हम लेते हैं बेटा कितना परसेंट, 60%, तो 190 का 60% इंटू 60% ये होता है 1,14,000, तो 1,14,000 बेटा टोटल वहां पे 40B के हिसाब से कितना आया, लिमिट अंडर सेक्शन 40B कितना आया, लिमिट ये पहले लिमिट अंडर सेक्शन 40B कितना आ गया टोटल इनका करता 114, 270 प्लस 140 ये हो गया 3,84,000 ये लिमिट आ गया। और पेमेंट कितना किया था, सैलरी पे कितना किया था, और दोनों वर्किंग पार्टनर को पे किया सैलरी पेड, तो बेटा हर एक पार्टनर को 20,000 पर मंथ पे किया है, तो 20,000 टू टू वर्किंग पार्टनर, तो 12 मंथ्स के लिए, तो बेटा 20,000 इंटू टू इंटू 12 ये पे किया है, 20,000 इंटू टू इंटू 12 तो ये होता है 4,80,000 तो पे किया 480 और लिमिट 384 है, तो बेटा डिडक्शन कितना मिलेगा विच एवर इज लोअर, तो 3,84,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) सैलरी का डिडक्शन फॉर सैलरी टू पार्टनर्स कितना हो जाएगा रुपीज 3,84,000। और अगर मुझसे पूछा जाए, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछा जाए कि डिसअलाउ कितना हो जाता है, तो डिसअलाउ तो वैसे तो होगा नहीं क्योंकि पीजी में से ऑलरेडी डिडक्शन दिया नहीं था हमने, तो डिसअलाउ नहीं होगा, खाली 384 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर पूछा जाए कि भाई हर एक पार्टनर का पीजीपी इनकम कितना है, तो अगर मुझे पूछा जाए तो आगे आप लिखना चाहो तो पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28
ऑफ पार्टनर्स। तो बेटा उनको पे किया गया है दोनों को मिला के 480, मतलब 240 उसको 240 उसको, तो पेमेंट तो 240 कर दिया है, फिर भी उनका पीजीपी कितना होगा बेटा, तो 384 डिवाइड बाय 2, तो 1,92,000, तो रुपीज 1,92,000 फॉर ईच पार्टनर, ये उनके लिए पीजीपी इनकम हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कॉपी हो गया ये? अब देखो एक चीज वहां पे लिख देना नोट्स के अंदर, यहां पे मैं बोलना भूल गया, यहां पे ये बुक प्रॉफिट के ऊपर जगह खाली है, नोट करके लिख देना, या प्रोफेसर नोट लिख देना वहां पे, इन केस ऑफ पार्टनर्स पीजीबीपी अंडर सेक्शन 20, अच्छा एक इनकेस ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड सैलरी पब्लिक रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 under the head PGBP to the extent, इसको अंडरलाइन कर देना, to the extent deduction allowed to partnership firm as per section 40B, मतलब जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा पार्टनर के लिए उतना इनकम होगा। अगर फर्म को 390 का डिडक्शन मिलेगा तो पार्टनर के लिए पीजीपी इनकम भी 390 होगा, अगर फर्म को 384 मिलेगा तो पार्टनर के लिए भी 384 पीजीपी इनकम होगा, अगर फर्म को 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा तो पार्टनर के लिए भी 10 लाख पीजीपी इनकम होगा, भले उनको मिला 20 लाख क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतना पार्टनर के लिए पीजीपी इनकम, उसको मिला कितना पार्टनर को वो मैटर नहीं करता है। समझ में आया बेटा? तो 40B का आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन 12% मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो सैलरी है वो लिमिट के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया, वर्किंग पार्टनर वगैरह जो भी है। अच्छा, इंटरेस्ट का डिडक्शन वर्किंग जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट का डिडक्शन वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को पे किया है तो मिलेगा, इंटरेस्ट के लिए वर्किंग पार्टनर का जरूरी होना नहीं है, क्योंकि यार कैपिटल तो हर कोई लगाता है ना, चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। लोन कोई भी दे सकता है, वर्किंग नॉन वर्किंग, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए वर्किंग का पार्टनर का कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी रेम्यूनरेशन बोनस कमीशन उसके लिए वर्किंग पार्टनर। समझ में आया बात, मतलब ये चीज है? ओके, वेरी गुड। फिर आता बेटा बिजनेस इनकम, जो सेक्शन 28 के अंदर दे रखी है पीजीपी इनकम, सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस इनकम क्या क्या आती है, तो लिस्ट ऑफ बिजनेस इनकम दे रखा है, फटाफट बता रहा हूं। फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द सेक्शन 28 अंडर द हेड पीजीपी, जैसे कि एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और ग्रॉस एसेट फ्रॉम एनी प्रोफेशन, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस एसेट है तो पीजीपी में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था तो इम्पोर्ट लाइसेंस ले रखा था, अब आप वो लाइसेंस बेच रहे हो, तो 1,00,000 में आपने वो लाइसेंस ले रखा था, 1,20,000 में बेच रहे हो बेटा, तो बेटा उस केस में आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक, कि सपोज आपका बिजनेस, आपने एक मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको 2 साल तक जीएसटी नहीं पे करना है, तो जीएसटी इज एक्सपेंस फॉर यू, अब जीएसटी आपको पे ही नहीं करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, वो आपकी पीजीपी इनकम है बेटा। एक्सपेंस अगर आपका बच गया, एक्सपेंस अगर बच गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका पीजीपी इनकम, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। या कैश कंपनसेटरी सपोर्ट अगर गवर्नमेंट से मिलता बिजनेस के लिए तो वो भी आपके लिए क्या, पीजीपी इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम डीपीबी ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस होता है वैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये लाइसेंस होते हैं, डीपीबी बोलते हैं, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम एंड ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, डीएफआरसी, ये दोनों एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो तो उसमें अगर प्रॉफिट हो तो वो भी पीजीपी में आएगा, क्योंकि आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। एनी अमाउंट रिसीव
एज मैच्योरिटी ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. मैंने आपको बताया था कि भाई मुकेश अंबानी के नाम से रिलायंस ने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया. मुकेश अंबानी के नाम से रिलायंस ने क्या लिया, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया. अब क्या हो रहा है कि वो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है बिजनेस को. ऑब्वियसली वो बिजनेस को रिस्क कवर करने के लिए लिया था. तो देखो प्रीमियम जब पे करता है बिजनेस तो उसका डिडक्शन मिलता है 37(1) के अंदर, वो एक्सपेंस है बिजनेस का. तो जब मैच्योरिटी मिलेगा तो वो बिजनेस इनकम है, पीजीपी इनकम है बिजनेस के लिए. तो एनी अमाउंट रिसीव एज मैच्योरिटी ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम विल बी अलाउड एज डिडक्शन 37(1) एज डिडक्शन अंडर द पीजीपी. तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट पीजीपी इनकम हो जाएगा सेक्शन 28 के अंदर. देखो अगर गिफ्ट मिला है बेटा एम्प्लॉयर से, गिफ्ट किसे मिला है एम्प्लॉयर से, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा. अगर गिफ्ट मिला क्लाइंट या कस्टमर से, क्लाइंट या कस्टमर से, तो पीजीपी इनकम होगा. तो एनी गिफ्ट बेनिफिट परक्यूजिट अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब क्लाइंट से कस्टमर से कोई गिफ्ट मिला, कोई वैल्यू बेनिफिट मिला, कोई परक्यूजिट मिला, कि मान लो सपोज इमेजिका इज माई क्लाइंट और इमेजिका ने मुझे 10 पास फ्री में दे दिए. अब वो मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे 10 पास फ्री में दिए, ये मेरे लिए वैल्यू बेनिफिट है, ये मेरे पीजीपी इनकम हो जाएगा. ठीक है, तो एनी गिफ्ट बेनिफिट परक्यूजिट एक्सेट्रा राइजिंग ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन रिसीव फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर पीजीपी इनकम. तो देखो गिफ्ट अगर वहां पर मिला एम्प्लॉयर से इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर गिफ्ट मिला क्लाइंट कस्टमर से पीजीपी, एंड अगर कोई और गिफ्ट मिला है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा. ठीक है, एनी इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, अभी पढ़ा हमने कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय अ पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू द एक्सटेंट डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 40B2 पार्टनरशिप फर्म. अभी मैंने लिखवाया आपको कि पार्टनर को ये जो कुछ भी मिल रहा है पार्टनर के लिए पीजीपी इनकम होगा अंडर सेक्शन 28, लेकिन कितना, टू द एक्सटेंट, अभी लिखवाया टू द एक्सटेंट डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 40B2 पार्टनरशिप फर्म. जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतना पीजीपी इनकम हो जाएगा. नॉन कंपीट फी बेटा, नॉन कंपीट फी क्या होता है कि मान लो वहां पे कोई बेसिकली कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और सेम बिजनेस उसके सामने जाके मैं लगा देता हूं, मैं उसको कंपटीशन दे रहा हूं, मेरे कंपटीशन की वजह से उसके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो वो मुझे एक ऐसा अमाउंट पे करता है और मुझे बोलता है कि आप अपना बिजनेस बंद करके चले जाओ. दिस इज कॉल्ड नॉन कंपीट फी. ये भी पीजीपी इनकम होगा, सेक्शन 28 के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा. नॉन कंपीट फी क्या लिखा, एनी कंसिडरेशन और फी रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, पीजीपी इनकम हो जाएगा. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट रेवेन्यू इन नेचर, इट मींस फॉर नॉट अक्वायरिंग कैपिटल असेट. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ग्रांट दिया कि भाई मैं मान लो एक कॉलेज चलाता हूं, अब कॉलेज चलाता हूं तो मैं टीचर्स वगैरह को सैलरी पे करता हूं, मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूं, मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ग्रांट दिया टीचर्स की सैलरी पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए, ये बेटा रेवेन्यू नेचर का सब्सिडी है, गवर्नमेंट ग्रांट है, मेरे लिए पीजीपी इनकम है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए दिया जा रहा है, रेवेन्यू नेचर. लेकिन अगर वहां पे गवर्नमेंट ने मुझे एक लैब बनाने के लिए वहां पे सब्सिडी दिया तो कैपिटल नेचर का सब्सिडी है. और मैं आपको बता दूं, हमने एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था, ऐसा सब्सिडी कॉस्ट में से लेस हो जाता है, एक्चुअल कॉस्ट में से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ पीजीपी इनकम है. इसके अलावा बेटा आपको याद होगा तो हमने सेक्शन 35AD के अंदर पढ़ा था कि 35AD के अंदर अगर कोई एसेट है हमने बेच दिया, अलग अलग केस पड़े थे, बराबर है, कि एक बार में 70 रुपीज में बेचा और एक बार में 120 रुपीज में बेचा, तो 100 रुपीज का ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका है. तो जितना 100 रुपीज तक रिकवरी होगा टू द एक्सटेंट डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 35AD, राइट, वो तो पीजीपी में आ जाएगा अंडर सेक्शन 28 के अंदर, और उसके ऊपर का ओवर एंड अबव होगा वो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा. ये मैंने प्रॉपर आपको केस करके बताया था, राइट. ठीक है, तो वो भी पीजीपी इनकम में आ जाएगा सेक्शन 28 के अंदर. ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा डीम पीजीपी इनकम. डीम पीजीपी इनकम मैंने बताया था कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वो आपका बिजनेस नहीं है फिर भी इनकम आपका पीजीपी इनकम माना जाएगा. जैसे कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा, सब्सिक्वेंट रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन अर्लियर क्लेम. ठीक है, अर्लियर ऑलरेडी क्लेम्ड अर्लियर. सब्सिक्वेंट रिकवरी मतलब आपको मिल रहा है किसके सामने, कोई डिडक्शन आपने जो पहले कभी क्लेम कर लिया था इस डिडक्शन, मतलब आपने प्रॉफिट को क्या किया था कम. सपोज एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था रुपीज 5 लाख, आपने वो पे कर दिया,
और आपने उसका डिडक्शन भी ले लिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) ले लिया आपने, मतलब आपने 1920 में अपने प्रॉफिट्स को 5 लाख से कम कर लिया, प्रॉफिट्स को 5 लाख से कम कर लिया। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया बात? मतलब ये चीज़, अब मेरे सामने वो बिल आता है, मैं देखता हूं कि यार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने तो ओवर प्राइसिंग किया है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने उसको 6.5 रुपीज से चार्ज करना था, दे हैव चार्ज्ड कि भाई आपका इंडस्ट्री है, ऐसा बोल के, जबकि मेरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं था, मेरा नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी था, और कमर्शियल एक्टिविटी का हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, 6.5 पर यूनिट चार्ज करना था, बट दे हैव चार्ज एज पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 8.50 पर यूनिट, तो ₹2 पर यूनिट उन्होंने मुझसे ज्यादा चार्ज किया वहां पे। और ऐसे पूरे साल में 1 लाख यूनिट, कितना बेटा 1 लाख यूनिट का उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो ₹2 लाख एक्स्ट्रा चार्ज करके, समझ में आ रहा बात? मतलब ये, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, मैंने बिल का तो पेमेंट कर दिया था, पेमेंट भी कर दिया, डिडक्शन भी ले लिया पीजीएफ में से 5 लाख का, और 5 लाख का प्रॉफिट भी कम कर दिया। बट हम लोगों को जब समझ में आया तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को एप्लीकेशन लिखा, हमने बताया कि भाई हमारा जो बिल है वो 3 लाख रुपीज ही होना चाहिए था, आपने 5 लाख रुपीज वहां पे भेजा है, कहने का मतलब हमने पे भी कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हम कोर्ट में जाके जैसे भी करके, कहने का मतलब ये चीज डायरेक्ट वहां पे बात करके सेटल करके, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इस बात को मान लिया कि हमने ओवर प्राइसिंग किया था। और उन्होंने क्या किया, इन प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर ₹2 लाख का रिफंड दे दिया, ठीक है, ₹2 लाख का रिफंड दे दिया। अब देखो, 5 लाख ऑलरेडी जब मैंने पे किया था, मैंने डिडक्शन क्लेम कर दिया था, और उससे प्रॉफिट क्या कर दिया था बेटा, कम कर दिया था। तो अब जब उसमें से मुझे 2 लाख वापस आ गया, तो मुझे प्रॉफिट प्रीवियस 2021 में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपीज से। सब्सिक्वेंट रिकवरी, ये क्या बेटा, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ एक्सपेंस विच वॉज ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। 5 लाख का डिडक्शन मुझे मिल गया था, उसमें से 2 लाख का सब्सिक्वेंट रिकवरी हो रहा है, ये मेरा डीम्ड पीजीपी इनकम हो जाए। क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके रिफंड लेना, कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं, तो लेकिन क्योंकि मैंने पहले प्रॉफिट कम किया था, इसलिए मुझे फिर से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे डीम्ड पीजीपी इनकम, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंस विच वॉज अलाउड अर्लियर एज डिडक्शन। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सपोज मेरा स्टॉक जल गया बेटा, स्टॉक मेरा जल गया, तो मैंने कल बताया था कि सेक्शन 37(1) के अंदर आप लॉस्ट ऑफ स्टॉक का डिडक्शन ले लोगे, तो 2 लाख का मेरा स्टॉक जल गया, आपने लॉस ऑफ स्टॉक का डिडक्शन ले लिया, प्रॉफिट को 2 लाख से क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मैंने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 1,70,000 का पेमेंट कर दिया, कंपनसेशन पे कर दिया। अंडरस्टूड बेटा? तो बेटा यहां पे भी तो ऐसा हुआ, पहले जब लॉस हुआ तो मैंने प्रॉफिट को कम कर दिया, लॉस ऑफ स्टॉक, अब जब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को वहां पे कंपनसेशन दे रही है, तो वो मेरे लिए डीम्ड पीजीपी इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डीम्ड पीजीपी इनकम हो जाएगा। सपोज मैंने कुछ गुड्स परचेज किया 10 लाख रुपए का, क्रेडिट पे, तो बेटा मैं परचेज में 10 लाख दिखा दूंगा और क्रेडिटर्स में 10 लाख से दिखा दूंगा बेटा, यस और नो। लेकिन जब मैं परचेज में 10 लाख दिखाऊंगा, तो वहां पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख से कम हो गया, अग्रीड। और जब ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख से कम हुआ, तो नेट प्रॉफिट भी 10 लाख से कम हो गया। समझ में आ रहा बात? मतलब ये चीज है, ठीक है। तो मैंने 10 लाख का कम वहां पे नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज एज ए परचेज का डिडक्शन ले चुका हूं, बट क्रेडिटर्स अभी भी लायबिलिटीज में 10 लाख का वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूं प्रीवियस ईयर 18-19 में एज ए परचेज 10 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, समझा बात? मतलब 10 लाख रुपए से। अब प्रीवियस ईयर 2021 में क्रेडिटर्स को लगा कि भाई मेरे से पेमेंट तो मिलने वाला है नहीं, तो क्रेडिटर्स ने वो 10 लाख रुपए क्या कर दिया बेटा, माफ कर दिया, उस क्रेडिटर्स ने वो पैसे को जाने दिया, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी, अपनी अपना जो राइट था उसने छोड़ दिया। तो डोंट यू थिंक बेटा मेरा फायदा हो गया, हालांकि मेरे को पैसा मिला नहीं इस केस में, लेकिन फिर भी मेरी जो लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स था 10 लाख का, वो खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। और ऑलरेडी मैं डिडक्शन ले चुका था, तो मेरी लायबिलिटी अभी सेट ऑफ हो गई, तो ये भी मेरे लिए क्या, डीम्ड पीजीपी इनकम है, ये भी क्या मेरे लिए बेटा, डीम्ड पीजीपी इनकम है। समझ में आ रहा बात? मतलब तो ऐसे कुछ केसेस है कि भाई जैसे मैंने इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का मैंने डिडक्शन ले लिया था, इंटरेस्ट का मैंने डिडक्शन बेटा क्या कर लिया था, ले लिया था। मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड से मैंने लोन लिया बिजनेस के लिए लोन लिया, 2 लाख का इंटरेस्ट हो रहा था, अक्रूअल बेस पे मैं अलाउ करता जा रहा था। देखो अगर बेटा आप लोन लेते हो PFI, SFC, SIC, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC, तब तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी से लोन लोगे तो आपको पेमेंट करना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी पेमेंट करोगे तो भी आपको अक्रूअल बेस पे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो आपस की आपकी कंडीशन है, कौन से टर्म्स पे आपको लोन मिला है।
सपोज मैंने मेरे फ्रेंड से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए था, वो अक्रूअल बेसिस मैंने डिडक्शन तो ले लिया, पेमेंट नहीं किया, लेकिन अक्रूअल बेसिस पे ऑलरेडी मैं डिडक्शन ले चुका, प्रॉफिट कम कर चुका हूं। अब मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि चल तेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, उसने माफ कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा लाइबिलिटी वहां पे खत्म हो गया। बोलो बेटा, तो वो जो वहां पे मेरा लाइबिलिटी खत्म हुआ, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द केसेस जहां पे आप पहले ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो और अभी आपको फायदा हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, तो वो डीम पीजीपी इनकम सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ असेसी क्लेम्स डिडक्शन इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस नाउ ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, असेसी रिकवर्ड सच एक्सपेंसेस और देयर इज अ रेमिशन और सेसेशन ऑफ एनी लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स ने अपना राइट छोड़ दिया, इंटरेस्ट का मेरे फ्रेंड ने राइट छोड़ दिया, देन सच रिकवरी और रेमिशन शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपी अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 एज डीम पीजीपी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स रिफंड, मैंने सेल्स टैक्स का पेमेंट किया, या सर्विस टैक्स रिफंड या जीएसटी रिफंड, तीनों एक ही जैसे, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी रिफंड। तो जब मैंने सेल्स टैक्स का पेमेंट किया, सर्विस टैक्स का पेमेंट किया, जीएसटी का पेमेंट किया, तो मेरे को डिडक्शन मिला होगा, बिकॉज दीज टैक्सेस आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, दीज टैक्स आर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। बाद में गवर्नमेंट से मुझे रिफंड आ गया, तो ये रिफंड मेरे लिए डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अलाउड एज ट्रेडिंग लॉस लेटर ऑन इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव, अभी मैंने बताया था एसएससी, ये भी एग्जांपल है। वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, कि वर्किंग कैपिटल लोन आपने, ये लोन था बेटा, लायबिलिटी था, और वर्किंग कैपिटल लोन वहां पे आपको ले रखा था, और बाद में मान लो वेव ऑफ कर दिया, तो उसका भी जब वेव ऑफ करेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा, क्योंकि आपका लायबिलिटी खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा बेटा? भले वो लोन है, लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन के केस में अगर वो वेव ऑफ होता है तो वो डीम पीजीपी इनकम माना जाएगा। आप और चाहो तो वहां पे लिख दो, एग्जांपल लिख दो, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉरगोन देयर राइट, क्रेडिटर्स फॉरगोन their right, ये भी आपके लिए डीम पीजीपी। लॉजिक मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड अर्लियर ऑन अक्रूअल बेसिस एंड later on it was waived off, ठीक है, by lender, माफ कर दिया उसने, ये भी आपके लिए डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा 41 सबसेक्शन 1 में। अंडरस्टूड बेटा? उसके बाद में आता बेटा बैलेंसिंग चार्ज सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में, बता चुका हूं आपका बैलेंसिंग चार्ज, जब हमने इंडिविजुअल असेट का सेल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि भैया इंडिविजुअल असेट बेचा जाता है तो उस केस में बैलेंसिंग चार्ज होगा अप टू जितना डेप्रिसिएशन आपने पीजीपी में डिडक्शन लिया है उतना पहले पीजीपी में जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। एंड ओवर एंड अबव द कॉस्ट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल में जाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ओके, उसके बैलेंसिंग चार्ज हो गया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट्स यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, कि अगर बेटा 41 सबसेक्शन 3 के अंदर ये भी डीम पीजीपी इनकम है, फॉर सेक्शन 41 के अंदर डीम पीजीपी इनकम दे रखा है, कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च असेट्स अगर बेचते हो बेटा, ठीक है, तो उस केस में भी डीम पीजीपी इनकम हो, एकदम सेम लॉजिक है जो 35AD में, जो 35AD का बेटा सेल, 35AD के अंदर जो सेल ऑफ असेट वाला आपने एग्जांपल लिया था ना, सेल ऑफ असेट एग्जाम्पल, वो सेम बेटा एग्जाम्पल यहां पे भी आ जाता है, सेम एग्जाम्पल यहां पे भी आ जाता है। आप देख लो चाहो तो, कि भाई 100 रुपए का असेट था जो आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया था और उसके ऊपर सेक्शन 35 के अंदर 100% डिडक्शन लिया था, 100% डिडक्शन लिया था वहां पे, ठीक है, और बाद में आप उसको 70 में बेचते हो तो WDV तो नहीं ले, तो पूरा का पूरा 70 पीजीपी में जाएगा, क्योंकि आप सेक्शन 35 में डिडक्शन ले चुके थे।
अगर 120 में बेचते हो तो 100 रुपीज तो पीजीपी में जाएगा क्योंकि आपने 100 रुपीज तक का डिडक्शन लिया था और 20 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ठीक है, सेम वही एग्जांपल। और बेटा मान लो वो अगर आप असेट वहां पे ठीक है बेचते नहीं हो, ये तो हो गया सोल्ड विदाउट यूज इन बिजनेस, तो टैक्सेबल एज डीम पीजीपी इनकम सेम एज बैलेंसिंग चार्ज भी बोल सकते हो कि अप टू जितना डिडक्शन लिया है वो तो पीजीपी में, ओवर एंड अबोव द कॉस्ट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मान लो आपने उसको बेचा नहीं, आपने क्या किया साइंटिफिक रिसर्च में यूज करके आप अपने बिजनेस में लेकर के आ गए, तो 100 रुपीज का असेट था, पूरा डिडक्शन ले चुके, WDV नील है, तो जब ब्लॉक में ऐड करोगे ना तो एक्चुअल कॉस्ट नील लोगे, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये 41 सबसेक्शन 3। ये बैड डेट रिकवरी बता चुका हूँ कि अगर अर्लियर बैड डेट अलाउ हुआ डिडक्शन तो अभी टैक्सेबल हो जाएगा, रिकवरी पहले अलाउ नहीं होता तो अभी वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आता है बेटा एकदम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हम लोग, सेक्शन 43C हम कैपिटल गेन के साथ में डिस्कस करेंगे, सेलिंग प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। जो बिल्डर होते हैं ना, बिल्डर लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं बेटा, तो उस केस में वहां पे ये वाला सेक्शन अप्लाई हो जाता है, हम डिस्कस करेंगे। 44AB कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेटा अगर वहां पे आप बिजनेस कर रहे हो कि भाई बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट करवाना 44AB के अंदर, इसमें अमेंडमेंट भी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी है 44AB के अंदर, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भाई आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन के अंदर हो तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, कब करवाना, तो देखो टाइप ऑफ एसएससी कौन है एंड व्हेन दे आर कवर्ड बाय प्रोविजंस ऑफ कंपल्सरी ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, मतलब कब उसको कंपल्सरी बुक्स ऑफ ऑडिट का सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है। ठीक है, तो देखो अगर एसएससी बेटा बिजनेस कर रहा है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस केस में अगर उसका टोटल सेल्स और टर्नओवर एक्सीड करता है 1 crore इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर जो टर्नओवर है बेटा वो टर्नओवर अप टू 1 crore है, अप टू रुपीज कितना है 1 crore है, तो बेटा मुझे टैक्सॉइड करवा, इसको टैक्सॉइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा टैक्सॉइड, मुझे टैक्सॉइड करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर गया 1 crore, मतलब 1 crore 1 lakh रुपए भी हो गया, 1 crore 1000 रुपए भी हो गया बेटा, तो उस केस में मेरे को कंपल्सरीली बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, टैक्सॉइड करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में। समझ में आ गया बेटा? तो बिजनेस के लिए लिमिट कितना है, बिजनेस के लिए 1 crore, कितना बेटा अप टू 1 crore नो टैक्सॉइड रिक्वायर्ड, लेकिन जैसे ही 1 crore को क्रॉस कर जाएगा तो टैक्सॉइड करवाना पड़ेगा कंपल्सरीली। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया? अब देखो अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे अमेंडमेंट आया, क्या बोलते हैं मोदी जी, बोलते हैं कि भाई ठीक है हम आपको एक रिलैक्सेशन देते हैं कि ठीक है आपको टैक्सॉइड करवाने की जरूरत नहीं अप टू ₹5 crore। ये देखो, इफ टोटल सेल्स और टर्नओवर एक्सीड ₹5 crore इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस वाले के लिए कि भाई देख तेरे लिए अभी लिमिट कितना है, मैंने कहा सर 1 crore, बोले 1 crore क्रॉस हो जाए तो मेरे को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। अच्छा, टैक्स ऑडिट करवाना मतलब बड़ा झंझट है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाना पड़ेगा, उसको फीस देना पड़ेगा, और छोटे मोटे बिजनेस वाले के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मोदी ने क्या बोला, ठीक है तेरे लिए लिमिट बढ़ा के मैं 5 crore कर देता हूं, मतलब अप टू 5 crore। ये दो यहां पे लिखा ना कि भाई प्रीवियस 2021 के अंदर इफ योर टर्नओवर इज अप टू ₹5 crore, बिजनेस ही कर रहे हो, टर्नओवर अप टू ₹5 crore तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, यह अमेंडमेंट है। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर है बिजनेस कर रहे हो वो एक्सीड कर जाता है कितना 5 crore, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट चलो फिर भी ठीक है, 1 crore की जगह लिमिट कितने का मिल रहा है, 5 crore का, 1 crore की लिमिट कितना मिल रहा है बेटा 5 crore, बट वो 5 crore का जो लिमिट है फॉर दैट देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी आपको 5 crore का हायर लिमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको 1 crore क्रॉस होते ही ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या बेटा, इधर देखो, ये रही कंडीशन, इफ कैश रिसीट आर अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट भाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी आपकी कैश रिसीट है वो अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट है, एंड कैश पेमेंट्स आर अप टू कर देना है ना, ये अप टू कर देना, UFTO, अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स, तभी आपको 5 crore तक टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर ये कैश रिसीट
या फिर कैश पेमेंट जो 5% से ज्यादा बढ़ गया, तो फिर आपको 5 करोड़ के अंदर अंदर, 5 करोड़ के अंदर मतलब 1 करोड़ से ऊपर गया तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो आप, एक मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड एग्जाम्पल सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट वाला पार्ट है। सपोज ये मेरी रिसीट्स है, टोटल रिसीट, ठीक है, बिजनेस की रिसीट्स है, बिजनेस की नहीं लिखता हूं, रिसीट्स है कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर टोटल कैश अदर देन कैश। मोदी जी क्या चाहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को डीमोटिवेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है अप टू 5% है कैश रिसीट चलेगा, अप टू 5% पेमेंट, टोटल पेमेंट चलेगा, बट उससे ज्यादा हुआ तो बेटा आपको 1 करोड़ ऊपर होते टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सपोज मेरा जो टर्न ओवर था ना सेल्स, वो ₹2 करोड़ का था, दो लाख हो गया, दो करोड़, ठीक है, उसमें से सपोज कैश है 8 लैक्स ले लेता हूं, तो 1 करोड़ 92 लैक्स का अदर देन कैश है। ठीक है, दूसरा मुझे सपोज कहीं से रेंट आया था, भले ही वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, कितने का रेंट था सर, 10 लाख का रेंट था, $50,000, ठीक है, ये सपोज ये 40,000 कैश में था और 9,60,000 अदर देन कैश था, मैं थोड़ा ऐसे इसको कर रहा हूँ, 960 अदर देन कैश था, सपोज कोई इनकम टैक्स रिफंड आया था, अब तो ये तो इनकम ही नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड इज मेरा पैसा मुझे वापस मिल रहा है, दिस इज नॉट इनकम, फिर भी इनकम टैक्स रिफंड आया था 1 लाख का और ये पूरा का पूरा नॉन कैश था, मुझे कहीं से डिविडेंड इनकम आया था, पांच लाख का, अब ये बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बट ये पूरा का पूरा अदर देन कैश आया था 5 लाख, ठीक है, ये मेरी सपोज ड्यूरिंग देयर टोटल रिसीट है, इतना ही मेरे को ड्यूरिंग देयर टोटल रिसीट मिला है। अब देखो बेटा यहां पे टोटल रिसीट कितना हुआ, तो 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 16 लैक्स ये मेरे को टोटल मिला है, ज्यादा हो गया ये तो, हाँ 2 करोड़ 6 लैक, उसमें से मेरे को कैश में कितना मिला, 8,40,000 और बाकी क्या हो जाएगा, नॉन कैश हो जाएगा, तो नॉन कैश अगर मैं करूं कि भाई 2 करोड़ 16 लैक्स माइनस 840, तो ये होता है आपका 2 करोड़ 7 लैक 60,000 ये अदर देन कैश मिला। चलो ठीक है, इसका तो जान दो, अपने काम है कैश से, तो देखो मेरे को कितना परसेंट मेरे को कैश मिला है, तो बेटा यहां पे 840 डिवाइड बाय ये मेरा टोटल है, वहां पे टोटल रिसीट हो गया, तो 216 इंटू 100, तो 840 इंटू डिवाइड बाय 216
216 into 100. तो बेटा जो मेरा कैश रिसीट आया ना, दैट इज 3.88%. बात समझो, कैश रिसीट ऑफ टोटल रिसीट. तो मेरा जो टोटल रिसीट है उसका सिर्फ 3.88% कैश रिसीट आया है. मतलब ये लेस देन 5% है. बोलो बेटा, लेस देन 5% है. समझ में आया बात? मतलब ठीक है. तो क्या सर मेरे को, मेरा टर्नओवर 2 crore है, क्या मेरे को टैक्स वाइट करवाने की जरूरत नहीं है क्या? बेटा इससे कहानी खत्म नहीं होती. अभी अपने को पेमेंट का भी देखना पड़ेगा भाई. जनरली क्या होता है कि भाई अगर सिर्फ रिसीट देखना होता तब तो कहानी खत्म हो जाती कि हाँ सर अप टू 5% है, मतलब अप टू 5 crore आपको टैक्स वेट करवाने की जरूरत नहीं है, बट पेमेंट का भी देखना है. तो पेमेंट का हम लोग देखते कि ये तो हो गया बेटा, मैंने बताया कि भाई इतनी मेरी रिसीट से. अब दूसरा सेकंड लेता हूं मैं पेमेंट्स का. पेमेंट्स एग्जाम्पल मैं अभी बना रहा हूं, मतलब मेरे को खुद को भी. तो पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, कैश पेमेंट एंड अदर. पहला ले लेता हूं मैं परचेस. सपोज 1 crore का परचेस था, ठीक है, 6 lakhs मैंने कैश में किया, 94 lakhs अदर देन कैश हो गया. दूसरा, इसके अलावा सपोज मैंने कुछ सैलरीज वगैरह पे किया था 10 lakh का, उसमें से सपोज 70,000 मैंने पेमेंट किया था कैश में और 9,30,000 मैंने अदर देन कैश किया था. तीसरा, मैंने इनकम टैक्स का पेमेंट किया था, ठीक है, 1 lakh का. वो पूरा का पूरा मैंने 1 lakh अदर देन कैश किया था, ठीक है. मैंने फोर्थ कुछ और ले लेते हैं, मतलब कोई बिजनेस में जरूरी नहीं है बिजनेस की बात, बट कुछ भी आपने पेमेंट किया बिजनेस में, मतलब क्या रिसीट क्या पेमेंट हुआ है वो पूरा देख लेंगे. मैंने कोई असेट परचेज की थी, परचेज ऑफ मशीनरी 10 lakh का, ठीक है. उसमें से मैंने 1 lakh कैश में पेमेंट किया था, 9 lakh मैंने अदर देन कैश पे किया था. तो बेटा टोटल पेमेंट्स कितने हो गए? तो 1 crore 10 lakh 20 lakh, 1 crore 21 lakh, डन. 7,70,000, ठीक है. इसका तो देख लेना टोटल, अभी मेरे को जरूरत नहीं तो मैं नहीं कर रहा. तो बेटा यहां पे कैश पेमेंट्स ऑफ टोटल पेमेंट कितना है ये निकाल लेते हैं. तो इस केस में बेटा 7,70,000 डिवाइड बाय 1 crore 21 lakh इंटू 100. तो 7,70,000 डिवाइड बाय 1 crore 21 lakh इंटू 100, ये होता है बेटा 6.36%. समझ में आया बात? मतलब ये चीज है, डन. तो देखो, योर कैश रिसीट इज अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट, हाउएवर योर कैश पेमेंट्स आर मोर देन 5%. तो क्या बेटा पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस और नो? नो. और बेटा यहां पे इसका टर्नओवर है 2 crore, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया. क्या इसको टैक्स वेट करवाना पड़ेगा? यस, क्योंकि इसके केस में 1 crore का लिमिट अप्लाई हो जाएगा. समझा बात? मतलब मान लो ये कैश पेमेंट भी आपका अप टू 5% एग्जैक्ट 5% या उससे कम होता बेटा, तो इसको टैक्स वेट करवाने की जरूरत नहीं थी. समझ में आया? तो मैं यहां पे कंक्लूजन लिख देता हूं.
जो भी है असेसी इज देयरफॉर असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AB एज हिज टर्न ओवर इज रुपीज टू सी आर कॉमा करके विच इज मोर देन ₹1 crore as required under section 44AB. अब next पैरा में लिखूंगा क्यों 5 crore का इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगा. However, लिमिट ऑफ ₹5 crore shall not be applicable as cash payments are 6.36% of total payments. ठीक है, which is more than 5%. Although cash receipts are 3.88%. ठीक है, क्योंकि दोनों अप टू 5% होना चाहिए. समझ में आ रहा बेटा? तो ये एक अमेंडमेंट है और इससे रिलेटेड आपको एक छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जैसे भी मतलब वो पूछ सकते हैं, बट आपको समझ में आ गया व्हाट इज द अमेंडमेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. अगर मान लो ये दोनों अप टू 5% होते तो आपका टर्नओवर था 2 crore, आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं. अगर आपका टर्नओवर 5 crore भी होता तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत बेटा नहीं थी. समझ में आ रहा है? डन 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 डन. ठीक है, चलो. तो ये वहां पे लिमिट हो गया किसके लिए? टैक्स ऑडिट के लिए, कि भाई अगर बिजनेस कर रहा है तो अप टू 1 crore नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट. ठीक है, उसके ऊपर उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. और अगर वहां पे उसका कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स है वो अप टू 5%, दोनों 5% रिसीट 5% ऑफ पेमेंट, तो इन दैट केस बेटा अप टू 5 crore देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट. ठीक है, अगर असेसी बेटा प्रोफेशन में एंगेज है, प्रोफेशन बिजनेस नहीं, प्रोफेशन के अंदर एंगेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लायर, इंजीनियर, ठीक है, ये सारे लोग हैं, तो उस केस में बेटा उसका ग्रॉस रिसीट अप टू 50 lakh है, नो टैक्स ऑडिट. और एक्सीड करता है बेटा 50 lakh इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. अंडरस्टूड बेटा? तो प्रोफेशनल के लिए कितना लिमिट है? 50 lakh ओनली, 50 lakh. तो 50 lakh से ऊपर 51 lakh हो गया तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, डॉक्टर को, लॉयर्स को, इंजीनियर्स को. समझ में आ रहा बात मतलब ये चीज है? ठीक है, एक्ट्रेस को, सिंगर्स को, डांसर्स को, जो भी मतलब प्रोफेशनल्स है उनको. लेकिन अगर अप टू 50 lakh है तो टैक्स ऑडिट करवाने के उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तीसरा बेटा आता है जो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, एवरी पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, 44AD, 44AE, कि उनको कब टैक्स ऑडिट करवाने का वो मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले आता है प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन. ठीक है, प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन मतलब देखो जनरली क्या होता है कि आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करो पीजीपी निकालने के लिए, बिजनेस इनकम माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, नेट प्रॉफिट में एड लेस करके जो भी अलाउड डिसअलाउ करना है वो करके आप निकालो. दोनों ही केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको बिजनेस इनकम भी चाहिए रहेगी और आपको एक्सपेंसेस भी चाहिए रहेंगे. अंडरस्टूड बेटा? दोनों ही केस में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, राइट. और बेटा अगर इन एनी केस अगर टर्न ओवर 1 crore से ऊपर चला जाता है, अगर टर्न ओवर 1 crore तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. टैक्स ऑडिट भी क्या करना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? जब 5% से मान लो अगर ज्यादा है तो अभी वाला केस देखा वैसे कहने का मतलब ये चीज़. बट उसकी वजह से जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन जैसे कि जनरल स्टोर चलाने वाला, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला, एक कपड़े की दुकान चलाने वाला, ये छोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है.
क्योंकि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इज हेडेक, और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मुंबई जैसी सिटी में मतलब मंथली 10,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा पूरा साल का, 1,20,000 तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लग गया वहां पे। उसके अलावा उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और 50-60,000 ले लेगा, कहने का मतलब ये चीज है। तो कुल मिला के मतलब 2,00,000 तो वो किसका दे रहा है बेटा, वो सिर्फ दे रहा है 2,00,000 तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, ऑडिट करवाने का। तो सपोज उसका अगर टर्न ओवर 1 crore एग्जैक्ट बेटा है, अगर एग्जैक्ट 1 crore अगर उसका टर्न ओवर बेटा, तो अगर 2,00,000 का वो पेमेंट कर रहा है तो मतलब 2% तो बेटा अपने प्रॉफिट का सीए को ही दे रहा है और अकाउंटेंट को ही दे रहा है, समझना बात को। अगर अगर उसका टर्नओवर एग्जैक्ट 1 crore है और 2,00,000 का वो खर्चा कर रहा है बुक्स अकाउंट मेंटेन करना, ऑडिट करवाना, तो 2% तो अपने प्रॉफिट का किसको दे रहा है बेटा, सीए को दे रहा है और अकाउंटेंट को दे रहा है, ठीक है। और मान लो वो एक ऐसे बिजनेस के अंदर काम कर रहा है जहां पे उसका प्रॉफिट 8-10% से ज्यादा होता ही नहीं है, तो 2% तो उन लोगों को दे रहा है, तो खुद के लिए बिजनेस ही क्यों कर रहा है जब 6% ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो अंडरस्टूड, यस और नो? तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों क्या बोलती है कि ठीक है वी विल गिव यू रिलैक्सेशन। क्या रिलैक्सेशन देंगे? कि अगर आप अपनी इनकम अजम्पशन बेसिस पे, प्रेजम्प्टिव प्रेजम्पशन बेसिस पे अगर डिक्लेयर कर देते हो तो ना आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना, ना ऑडिट करवाना, ना आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना, ना बेटा क्या करवाना आपको, ऑडिट। तो मैंने पूछा कैसे प्रेजम्पशन बेसिस पे, तो बोला देखो आप अपने टर्न ओवर, सपोज 1 crore का आपका टर्न ओवर है, आप उसका 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। आपका टर्नओवर बेटा सपोज 1 crore है, तो क्या बोला कि 1 crore का 8% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो, कि 1 crore का 8% मेरा प्रॉफिट, मतलब 8 lakh rupees मेरा प्रॉफिट है। एक फिक्स परसेंटेज बांध देते हैं कि 8% आपने डिक्लेयर कर दिया, कहानी खत्म, ना मैं डिस्प्यूट करूंगा ना आप डिस्प्यूट करो। गवर्नमेंट ने बोल दिया, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, बोल दिया कि भाई मिनिमम 8% डिक्लेयर करो, उससे ज्यादा है तो ज्यादा कर लो, लेकिन आप मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। तो मैं भी क्या सोचता हूं कि यार 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है नहीं, ऑडिट करवाना है नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा बात, मतलब ठीक है कर देते हैं, झंझट ही खत्म, कहने का मतलब। फिर कोई डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करना, कोई इनडायरेक्ट मेथड, कोई एक्सपेंसेस, कुछ भी वहां पे हिसाब नहीं करना। दिस इज कॉल्ड प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन। ऑल्दो वी आर नॉट कंप्यूटिंग टैक्स बेटा, हम पीजीपी इनकम निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे बेटा, पीजीपी इनकम, फिर भी इसको बोलते हैं प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन। हम निकाल पीजीपी रहे, हम निकाल पीजीपी रहे, मैंने पहले ही बोला था कि बेटा हम लेस आया तो उसका मैं बताऊंगा उसका क्या होगा। मतलब आप मिनिमम 8% डिक्लेयर करो, लेस का मैं बताऊंगा, ठीक है। कि मान लो मेरा 4% ही एक्चुअल प्रॉफिट है तो उस केस में क्या ऑप्शन है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके मैं बताऊंगा। लेकिन अभी समझो, अभी क्या बोला कि मान लो मेरा 8.5-9% आ रहा है, तो क्या बोला गवर्नमेंट, बोलते ठीक है 8% डिक्लेयर करो, कहानी खत्म करो, कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, जब ऐसे सिचुएशन होगी तो मैंने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया तो वो जो आएगा 8 lakh rupees वो मेरा पीजीपी इनकम कहलाएगा। फिर उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, सैलरी वगैरह सब जोड़ के जीटीआई, फिर चैप्टर 6 से डिडक्शन देकर के फिर एनटीआई निकालूंगा, समझ में आ रहा बात, मतलब फिर मैं टैक्स निकालूंगा। अभी मैं पीजीपी निकाल रहा हूं, एक मेथड डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था, तीसरा मेथड है प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन, जहां पे मैं डायरेक्ट सीधा टर्न ओवर पे एक परसेंटेज करके कहानी खत्म कर रहा हूं। समझ में आया बेटा, मतलब क्लियर है ये चीज, ओके, यही प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन है। तो इसके अंदर तीन मोटा मोटी, वैसे तो बहुत सारे सेक्शन, लेकिन आपको एप्लीकेबल हो तीन सेक्शन ही एप्लीकेबल है, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADAADA एंड सेक्शन 44A, ये तीन सेक्शन है, ये अपने को समझनी जरूरी है, समझ बात बेटा। तो देखो सबसे पहले आपका सेक्शन 44AD प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन क्या है, पीजीपी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर असेसी एंगेज इन बिजनेस। तो अगर मैं बिजनेस में एंगेज हूं तो बेटा मेरा पीजीपी एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है, प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। तो बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हु विल बी एलिजिबल असेसी, कंडीशंस क्या है। तो एलिजिबल असेसी इसका कौन होगा, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म बट एक्सक्लूडिंग एलएलपी। सिर्फ और सिर्फ 44AD में अपनी इनकम कौन डिक्लेयर कर सकता है, छोटा आदमी, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी नहीं, एलएलपी डिक्लेयर नहीं कर सकता, एलएलपी इज नॉट एलिजिबल, कंपनी इज नॉट एलिजिबल, छोटा आदमी, छोटा आदमी। सर क्यों एलएलपी और कंपनी? अरे यार एलएलपी और कंपनी को तो वैसे ही बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, तो उसको तो सीए के पास में भी जाना पड़ता है, सीएस के पास में भी जाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो एलएलपी और कंपनी कभी भी छोटा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट भी है बेटा, नॉन रेसिडेंट भी है
तो नॉन रेसिडेंट भी प्रिजम्प्टिव टैक्स ऑप्ट नहीं कर सकता, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हु इज एलिजिबल असेसी फॉर सेक्शन 44AD, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या LLP, तो बेटा या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो बेटा कंपनी LLP नहीं, उनको छोड़ के जो रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, दीज आर एलिजिबल असेसी। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद में बेटा आता है वहां पे कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस। बेटा किसके लिए? तो बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। बिजनेस सर कौन सा? एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर, ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस के लिए अलग से सेक्शन है प्रिजम्प्टिव का 44AE, तो वो यहां पे नहीं आता। तो अगर मैं मान लो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास में ट्रक्स है, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस का मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो अगर मुझे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन लेना है तो मेरे लिए 44AE है, मैं 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। दूसरा, प्रोफेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AA1, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इनके लिए भी अलग सेक्शन है 44ADA, उनके लिए भी अलग सेक्शन है 44ADA, मतलब वो 44AD में नहीं कर सकते। और तीसरा आता है एनी पर्सन अर्निंग इनकम, ठीक है, ये एयरिंग लिखा, एयरिंग नहीं, अर्निंग है बेटा, EARNING, NING, अर्निंग इनकम, अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ ब्रोकरेज, कमीशन और एनी एजेंसी बिजनेस। सर ये तो बिजनेस है, ब्रोकरेज, एजेंसी, कमीशन, सर इनको क्यों नहीं बेनिफिट मिलता? दिमाग में क्वेश्चन तो आता है वहां पे। बेटा बात समझना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ का सीधा 8% लेकर के 8 लाख हमने पीजीपी इनकम दिखाया, मतलब 92% एक्सपेंस हो गया। ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि 92% या 92 लाख इज योर एक्सपेंस, डीम्ड एक्सपेंस, जो कि अलाउ हो गया, वो डीम्ड अलाउ हो गया। जैसे हमने प्रॉफिट 8% ले लिया, 8 लाख ले लिया, तो 92% डीम्ड अलाउ एक्सपेंसेस हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा जो एजेंसी, कमीशन, ब्रोकरेज का बेटा बिजनेस करते हैं ना, उनके एक्सपेंसेस ही नहीं होते हैं बेटा, उनका तो 92% प्रॉफिट होता है, 8% एक्सपेंस होता है। जैसे कि रियल एस्टेट वाला समझ लो, एक रियल एस्टेट एजेंट है बेटा, उसका एक छोटा सा ऑफिस होगा, एक आध मुश्किल से स्टाफ रख रखा होगा, वही सारे काम करता है, ठीक है। आप वहां पर जाओगे तो AC भी चालू नहीं कर रखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता नहीं है, चाय मंगाने के लिए फोन करेगा, फिर थोड़ी देर बाद में बोलेगा यार चाय यहाँ पर टाइम से आता नहीं, चलो जाकर के पी जाते हैं वहां पे। तो आप लोग जाओगे तो उसके ऑफिस में होते, चाय मंगाता तो वो पेमेंट करता, बाहर आ गए तो आप पेमेंट करोगे, क्लाइंट ही पेमेंट करेगा। फिर वहां पे अब बाहर आ गए तो बोलेगा अरे मेरी कार खराब है, मेरी गाड़ी खराब है, वो स्कूटर पर उधर लेके गया है, तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा, तो वो भी आपका खर्चा। फिर वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, प्रॉपर्टी दिखाएगा, प्रॉपर्टी फाइनल हुआ कि भाई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, तो 1% वो कमीशन आपसे लेगा, 1 लाख रुपए, 1% कमीशन सामने वाली पार्टी से लेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो एक डील में 2 लाख का उसका कमीशन हो गया। अब वो पूरे साल में मान लो 50 डील करवा देता है तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया बेटा। अब मुझे बताओ उसका खर्चा क्या हुआ, ये मुझे बता दो, कुछ खर्चा हुआ क्या? देयर इज नो एक्सपेंस। तो उसके केस में तो बेटा 99% प्रॉफिट है, 1% खर्चा है, समझ में आ रहा है। अगर उसको ये वाला स्कीम दे दिया, उसको बोला गया कि तू 44AD ऑप्ट कर ले, तो जहां पे उसका 99 लाख का प्रॉफिट है, वहां पे वो 8 लाख का प्रॉफिट दिखा कर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है बात? मतलब इसीलिए ये 44AD वो ऑप्ट नहीं कर सकता, अगर एजेंसी, कमीशन, ब्रोकरेज का बिजनेस में है तो। ये बिजनेस छोड़ के बाकी कोई भी और बिजनेस होगा तो 44AD ऑप्ट कर सकता है। अंडरस्टूड बेटा? तो पहला, हु विल बी एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी कौन है बेटा? तो बेटा पहला वहां पे क्या है कि एलिजिबल असेसी कौन होगा, तो एलिजिबल असेसी होगा वहां पे रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसके बाद में बेटा एलिजिबल वहां पे आपका बिजनेस, तो एनी बिजनेस बट एक्सक्लूडिंग प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस, प्रोफेशन एंड ब्रोकरेज कमीशन, वो वाला। अब मान लो मुकेश अंबानी बोलता है मैं भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, मेरा भी बिजनेस है जियो का, ठीक है, या कोई और बिजनेस है, तो यार मैं भी 44AD ऑप्ट करता हूँ 8% डिक्लेयर करके। अब बेटा एक चीज बताओ, क्या मुकेश अंबानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको वहां पे पैसा नहीं दे सकता क्या? सर वो तो हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब ये बेनिफिट किसके लिए? छोटे असेसी के लिए, छोटे बिजनेसमैन। सर ये छोटा बिजनेसमैन कैसे डिसाइड होगा? तो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। कौन से बेसिस पे डिसाइड होगा बेटा? टर्नओवर। तो नेक्स्ट बेटा आता है कि भाई कब छोटा मानेंगे उसको? तो इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट
इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल में आप देख रहे हो, तो इफ टर्न ओवर और ग्रॉस एसेट इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड रुपीज 2 crore, देन 44AD इज नॉट एप्लीकेबल. मतलब अप टू 2 crore अगर मेरा टर्न ओवर है इस साल, मैं 44AD ऑप्ट कर सकता हूं, 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही 2 crore को क्रॉस कर गया बेटा, 44AD में ऑप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. तो बेटा ये थ्रेशोल्ड लिमिट है कितना, 2 crore, अप टू 2 crore 44AD ऑप्ट कर सकता हूं, 2 crore से ऊपर चला गया 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता. तो छोटा आदमी कैसे, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, बट ये बिजनेस को छोड़ करके उसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 crore, डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 crore, तब तो 44AD ऑप्ट करेगा, लेकिन अगर 2 crore से ऊपर चला गया तो 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता. अब आता है नेक्स्ट बेटा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पीजीपी इनकम कितना होगा. तो प्रेजम्प्टिव रेट ऑफ पीजीपी इनकम होगा, जैसे कि मैंने बताया, 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, कि भाई 1 crore है तो एलिजिबल है तो उसका सीधा 8%, 1.5 crore है, 1 crore 50 lakhs है, एलिजिबल है, सीधा 8%, एग्जैक्ट 2 crore भी है तो भी एलिजिबल है, उसका सीधा 8% वहां पे आप क्या ले लो, ठीक है, पीजीपी इनकम हो जाएगा. लेकिन मोदी जी वहां पे आपको बेनिफिट दे रहे हैं, हाउएवर इफ असेसी हैज रिसीव्ड सच अमाउंट थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको टर्नओवर मिला है थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS, और वो अमाउंट मिल गया था ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब आपके अकाउंट में वो पैसा आ चुका था, तो उस केस में रेट विल बी 6%. आपको बेनिफिट दे रहे कि 6% खाली डिक्लेयर कर दो, काम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट. समझ में आया बेटा, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज मिस्टर ARP, सपोज मिस्टर ARP, ठीक है, रेसिडेंट है, तो मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल हो गया, डूइंग पब्लिकेशन बिजनेस, डूइंग पब्लिकेशन बिजनेस, तो बिजनेस भी एलिजिबल हो गया, और टर्नओवर है बेटा रुपीज 150 lakhs, अब तो हर तरीके से एलिजिबल हो गया, टर्नओवर इज ऑल्सो अप टू 2 crore फॉर प्रीवियस ईयर 2021. और ये बेटा टर्नओवर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, समझना बात को. सपोज ये जो 150 lakhs है ना बेटा, इसमें से मुझे कुछ पैसा तो मिला अकाउंट पे ही चेक से मिला, या फिर ड्राफ्ट से मिला, या फिर ECS से मिला. कितना, सपोज रुपीज 60 lakhs, ठीक है, और कैश में मिला है, कैश में या बैरर चेक वगैरह में मिला है, ठीक है, कैश में या बैरर चेक या क्रॉस चेक में मिला है रुपीज 40 लाख. तो एक बात तो तय है बेटा कि ये जो 40 लाख मिला है इसके ऊपर जो प्रेजम्प्टिव जो रेट ऑफ पीजीपी होगा वो 8% होगा, ये 40 लाख का 8%, तो ये हो जाएगा 3.2 lakhs, ठीक है. अभी बेटा 60 लाख से ये भी दो तरीके से मिला है, जो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS में मिला है, इसमें से 40 लाख जो मिला है वो ड्यू डेट तक मिल गया है, रिसीव्ड जो ड्यू डेट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम था, रिसीव अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और जो 20 लाख है बेटा वो ड्यू डेट के बाद में मिला है, आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, भले वो अकाउंट पे ही चेक मिला है बट आफ्टर ड्यू डेट. तो एक चीज बात बताओ बेटा, जब मैं ड्यू डेट को रिटर्न फाइल कर रहा हूंगा, जो भी डेट को मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूंगा बेटा, ठीक है, सो ये जो आपका बेटा, मान लो मैं रिटर्न फाइल कर रहा था, ठीक है, जो भी ड्यू डेट है 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर रहा था, तो मुझे ये तो पता है कि ये 40 लाख आ गया कैश में, ये भी पता चल गया कि ये 40 लाख भी बेटा आ गया जो ड्यू डेट तक अकाउंट पे ही चेक मिला है, लेकिन जो ये आफ्टर ड्यू डेट अकाउंट पे ही चेक में मिला है, ड्राफ्ट में मिला है, वो मुझे ड्यू डेट को थोड़ी पता है कि ये कैसे आएगा. भाई डेटर्स थे 20 लाख के, तो बाद में उन्होंने अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS में दे दिया, लेकिन मुझे ड्यू डेट तक तो नहीं पता था ना कि ये पेमेंट अकाउंट पे ही चेक में ही आएगा या ड्राफ्ट में आएगा या कैश में नहीं आएगा, ये मेरे को पता नहीं था. दैट इज वाई बेटा यहां पे इसके ऊपर तो 6% ले लेंगे 40 लाख के ऊपर, तो कितना 40 लाख पे 6%, दैट इज रुपीज 2.4 lakhs, और ये जो 20 लाख बेटा उसके ऊपर सीधा 8% हम लोग लेंगे, तो मैंने उल्टा कर दिया, ये है ना 150 का, ये 110
110 लेना चाहिए था. सपोज ये 110 है, 110 लैक्स, ठीक है. 110 लैक्स में से सपोज ये आपका 20 इसको ही रखता हूँ, तो ये 90 लैक्स रिसीव अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम, तो उसका 6%, तो 5.4 लाख, ठीक है, 5.4 लाख. और ये 8%, 1.6 लाख. तो देखो इसके ऊपर 8% 3.2 लाख, इसके ऊपर 8% 1.6 लाख, और इसके ऊपर 6% 5.4 लाख. तो टोटल पीजीपी इनकम कितना हो जाएगा बेटा? तो पीजीपी इनकम हो जाएगा 5.4 प्लस 1.6, एक बार फिर भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, सही तो किया है ना, 3.2. तो ये 10.2 लाख का पीजीपी इनकम हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया कैसे आपको पीजीपी इनकम निकालना है, कब 8% लेना है, कब 6% लेना है, और लॉजिकली बता दिया कि भाई सर वो 20 लाख अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस में भी है, फिर भी उसके ऊपर हम 8% लेंगे. क्यों? क्योंकि ड्यू डेट तक हमको नहीं पता था कैसे मिलने वाला है, उसके बाद में मिला है, तो इसलिए उसके ऊपर भी 8% अप्लाई हो जाएगा. तो 6% कब लेना? ओनली इफ अमाउंट इज रिसीव अप टू द ड्यू डेट थ्रू अकाउंट पे चेक, थ्रू अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, सिर्फ उसके ऊपर 6% लेना है. एग्जाम्पल कॉपी कर देना बेटा, ठीक है, हो गया. तो इस तरीके से आपको पीजीपी इनकम निकालना है. ओके, अब देखो ये तो पीजीपी हमको इनकम निकाल दिया. अब यहां पे ध्यान रखना कि भाई जो एडवांस टैक्स होता है ना, एडवांस टैक्स आप पे करते हो, वो 44ADA केस में आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है 100% एडवांस टैक्स ऑन 15th मार्च इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट. जनरली आप एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो क्वार्टरली, बट अगर आपने 44ADA ऑप्ट कर लिया है, 44ADA ऑप्ट कर लिया है, तो फिर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा 100% एडवांस टैक्स पे कर लेना है, ठीक है. फिर बेटा एक आता है कि आप लॉजिकल चीज है कि जब आपने डायरेक्टली 10.2 लाख पीजीपी इनकम पकड़ लिया, तो हम क्या मानते हैं कि भाई ये आपका पीजीपी इनकम है, बाकी सारा का सारा एक्सपेंस है. तो फिर क्या सेक्शन 32-37(1) का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी वो अज्यूम टू बी अलाउड हो गया. इफ असेसी ऑप्टेड प्रेजम्प्टिव सेक्शन 44ADA, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-37(1) शैल नॉट बी अलाउड. इवन जो अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म ने 44ADA ऑप्ट किया है और इस तरह से पीजीपी इनकम निकाला है, तो जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह जो भी पे किया है, वो 40B का डिडक्शन वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा अज्यूम हो गया कि भाई वो अलाउ हो गया. सारा का सारा अज्यूम हो गया कि बेटा क्या हो गया, वो अलाउ हो गया, ठीक है. फिर आता है बेटा इसका फायदा क्या है बेटा, 44ADA ऑप्ट करने का फायदा क्या है? तो बेटा एक ही तो फायदा है, बुक्स को मेंटेन नहीं करना और ऑडिट नहीं करवाना है. तो इफ असेसी हैज ऑप्टेड प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन 44ADA एंड टर्नओवर इज अप टू ₹2 crore, देन असेसी हैज नॉट रिक्वायर्ड, असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB. कुछ नहीं करना है, ना बुक्स ऑफ मेंटेन करना है, ना ऑडिट करवाना है. लेकिन बेटा 44ADA इस गले की घंटी कि अगर आपने एक बार इसको ऑप्ट कर दिया, तो नेक्स्ट 5 years तक भी ही आपको 44ADA ऑप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट 5 years मतलब टोटल 6 years. मतलब सपोज मैं प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर पहली बार 44ADA ऑप्ट करता हूं, तो अगले 5 साल मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 and 25-26 मेरे को नेक्स्ट 5 years तक भी 44ADA ऑप्ट करना पड़ेगा. नॉर्मल प्रोविजन में मैं नहीं जा सकता. समझ में आया बात? मतलब ये चीज़ अब आप बोलो कि मान लो सर अगले साल आपका टर्नओवर 2 crore को क्रॉस कर गया, तो ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, तो बेटा उस केस में तो आप एलिजिबल ही नहीं हो ना, उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल. तो उस केस में आप नॉर्मली बुक्स अकाउंट मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, सिंपल सी बात है. लेकिन मान लो 5 साल में आपका टर्नओवर इज अप टू ₹2 crore और प्रीवियस ईयर 2021 में आपने पहली बार 44ADA ऑप्ट किया, तो 2021 के बाद में 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 and 25-26 44ADA, मतलब एक तो करंट ईयर, उसके अगले 5 साल कंपल्सरीली आपको 44ADA ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो इफ असेसी डिक्लेयर्स पीजीपी इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 44ADA एंड असेसी डज नॉट, अच्छा मान लो कि उसने अगले 5 साल में से किसी भी साल में डिफॉल्ट कर दिया कि उसने 44ADA ऑप्ट नहीं किया. अच्छा 44ADA क्या बोलता है कि आप मिनिमम 8% या मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाओ, यही तो बोलता है 44ADA. तो क्या बोलता है कि अभी आपने 44ADA ऑफ किया, मतलब मिनिमम 8% या 6% पीजीपी इनकम दिखाया, तो
तो अगले पांच साल भी आपको 4480 ऑफ करते हो मिनिमम 8% और 6% पीजीपी इनकम दिखाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। लेकिन मान लो सपोज थर्ड ईयर के अंदर, ईयर थ्री के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो था ना बेटा, वो एक्चुअल प्रॉफिट 4% हो गया। ईयर थ्री के अंदर बेटा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया? 4% हो गया। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, सिचुएशन कैसे ऐसी हो गई वहां पे कि मेरा प्रॉफिट 4% कम होकर के आ गया। अब बताओ बेटा, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 4% है और ये बोल रहा है कि आपको मिनिमम 8% या मिनिमम 6% डिक्लेयर करना है, ये तो सुसाइडल है। कहने का मतलब ही चाहिए, मैं कब की बात कर रहा हूं बेटा, करंट ईयर तो मैंने प्रीवियस 2020 में 4480 ऑप्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर, उसके बाद में सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में सिचुएशन ये हो गया कि थर्ड ईयर में मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 4%। कितना हो गया बेटा? 4%। अब क्योंकि मैंने पहली बार 4480 ऑप्ट किया था तो अगले पांच साल 4480 ऑप्ट करना है, तो क्या बेटा मैं थर्ड ईयर के अंदर भी मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करूंगा जबकि मेरा एक्चुअल 4% है? सर लॉजिकल सीधी सी बात है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने थर्ड ईयर के अंदर क्या कर दिया बेटा, 4% प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो उस केस में मैंने वॉयलेशन कर दिया, कंडीशन का वॉयलेशन कर दिया। तो एक्ट क्या बोलता है पता है? एक्ट ये बोलता है कि आप उस साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे और ऑडिट भी करवाओगे, डजंट मैटर आपका टर्नओवर कितना है, भले वो 1 करोड़ से कम क्यों ना हो। जनरली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, आपको ऑडिट कब करवाना पड़ता है? व्हेन योर टर्नओवर इज एक्सीड रुपीज 1 crore। बट क्योंकि थर्ड ईयर में योर प्रॉफिट इज 4% एंड यू आर डिक्लेयरिंग 4% ओनली इंस्टेड ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 6%, राइट, देन you have to maintain your books of account compulsorily, you have to, ठीक है, audit it, you have to, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनका audit भी करवाना पड़ेगा compulsory, irrespective of your turnover, चाहे turnover आपका 10 लाख ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा बात? मतलब सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको प्रूव करना है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 4% है, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना परसेंट बेटा 4% है। और प्रूव कैसे करोगे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा तभी तो आप प्रूव कर पाओगे। दैट इज व्हाई इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर वहां पे आपका क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? मतलब ये चीजें लॉजिक समझ में आ गया ये चीज वहां पे, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूं, एक टाइमलाइन से बता देता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाएगा। सपोज ये आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है और इसमें आपने पहली बार 4480 ऑप्ट किया था, ऑप्टेड, तो क्या बोलता है कि इसके अगले साल, अगले पांच साल, मतलब 1, 2, 3, 4 and 5, मतलब प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 24-25, आपको 4480 ही ऑप्ट करना पड़ेगा कंपलसरी। 4480 ही ऑप्ट करना, 4480 ऑप्ट करना मतलब आपको मिनिमम 8% या मिनिमम 6% इनकम दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो इनमें से किसी ईयर में अगर आपका टर्नओवर 2 crore को क्रॉस कर गया, फिर तो आप बाय डिफॉल्ट फ्री हो गए, फिर तो आपको बाय डिफॉल्ट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ऑडिट करवाना ही है, तो वो वॉयलेशन होगा नहीं, कहने का मतलब ये चीज सिंपल। समझ में आ रहा बात? मतलब ये चीज। लेकिन सपोज बेटा इसमें तो आपने 4480 ऑप्ट कर लिया ईयर वन में, इसमें भी आपने 4480 ऑप्ट कर लिया, लेकिन ईयर थ्री के अंदर योर प्रॉफिट इज 4%। प्रॉफिट कितना बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट इज 4%। एक्चुअल प्रॉफिट इज 4%, ठीक है, 22-23 में। तो बेटा क्योंकि आप वहां पे 4480 ऑप्ट नहीं करोगे तो यहां पे आपने 4480 नॉट ऑप्टेड। सीधी सी बात है, कोई इतना बेवकूफ इंसान नहीं है कि भाई जब एक्चुअल प्रॉफिट ही 4% तो मैं 8% 6% डिक्लेयर करूंगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दो चीजें होगी। नंबर वन, उस साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट इट ऑडिटेड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ
irrespective of turnover, whether it's up to 1 crore or more, up to rupees 1 crore or more, ठीक है? और ये आपको करना है to prove, ये प्रूव करने के लिए आपको वहां पे करना है प्रूव कि भाई आपका एक्चुअल प्रॉफिट 4% है, ठीक है? लेकिन बेटा इसमें भी एक कंडीशन है, इफ आगे इफ एनटीआई नेट टोटल इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब मेरा प्रॉफिट मैंने कम डिक्लेयर किया, नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने प्रॉफिट कम डिक्लेयर किया तो 44A ऑप्ट नहीं किया, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट वहां पे करवाना पड़ेगा। अगर मेरा नेट टोटल इनकम, मतलब पीजीपी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस सब मिला के जीटीआई, उसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शन दूंगा तो एनटीआई, वो जो एनटीआई है एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर मान लो मैंने बेटा 2 crore नहीं 1 crore, 2 crore इज लिमिट फॉर बेसिकली 44AD, टैक्सॉइड का लिमिट तो 1 crore ही है ना, टैक्सॉइड का लिमिट तो 1 crore ही है ना, कहने का मतलब ये चीज है, यही तो फायदा, आप समझे नहीं बेटा, आपको 1 crore से क्रॉस हो जाएगा टर्नओवर तो टैक्सॉइड करवाना पड़ता है, टैक्सॉइड करवाना पड़ता है। लेकिन 44AD यही फायदा दे रहा है कि अगर आप 44AD ऑप्ट कर लेते हो तो 2 crore तक आपको टैक्सॉइड नहीं करवाना है, समझे? अगर आप 44AD ऑफ कर देते हो तो 2 crore तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है, लेकिन यहां पे टैक्स ऑडिट का लिमिट तो 1 crore ही है ना, टैक्स ऑडिट का लिमिट तो 1 crore है, समझा बेटा? अंडरस्टूड? बोलो। ओके, अब तो ये समझ में आ गया कि मान लो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट था 4% था, कितना परसेंट था बेटा, 4%, ठीक है, और 4% एक्चुअल प्रॉफिट था और मैं 44AD ऑफ नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ऑडिट करवाना। इफ माय एनटीआई कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स सब मिला के जीटीआई आता है, चैप्टर 6 एग्जाम में एनटीआई आता है, अगर वो एनटीआई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, लेकिन मान लो मैंने 4% प्रॉफिट वहां पे डिक्लेयर किया, लेकिन मेरा जो एनटीआई है नेट टोटल इनकम बेटा वो अप टू 2,50,000 है, तो फिर मेरे को बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन टू प्रूव करने में, क्योंकि अगर वो एनटीआई अप टू बेसिक लिमिट है तो, समझ में आ रहा बात, मतलब ये चीज है। ये तो वहां पे आपका फर्स्ट सजा हो गई। सेकंड बेटा सजा क्या बोलता है कि इस केस में अगर आपने 44AD ऑप्ट नहीं किया, किसी साल में डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब ये देखो जो 22-23 है ना, उसके अगले साल मतलब यहां से काउंट करोगे previous year 24-25, previous year 25-26, previous year 26-27 और पांचवा आता है previous year 27-28, इन सालों में आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। समझ में आया बेटा, मतलब ये चीज है, अंडरस्टूड बेटा, कि वंस यू हैव डन डिफॉल्ट देन उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। और करंट ईयर में तो जो आपको बुक्स ऑफ मेंटेन करना, ऑडिट करवाना, वो तो है ही, क्योंकि आप वहां पे कम डिक्लेयर कर रहे हो। समझ में आया बात, मतलब ये, तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स नॉर्मल प्रोविजन में जाकर के बुक्स ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अगर सिचुएशन है तो। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब देखो यही आपका ये बोल रहा है, ठीक है, If assessor declares PGP income for any previous year under Section 44AD, this is a previous year 1920, and assessor does not declare PGP income as per Section 44AD for next 5 consecutive previous years, अगले 5 साल, ठीक है, then he shall not be eligible to claim benefit of Section 44AD for 5 subsequent year
टू द ईयर इन विच असेसी नॉट डिक्लेयर्ड इनकम अंडर सेक्शन 44AD. तो देखो अगर आपने एक बार 44AD है तो अगले 5 साल तक 44AD ऑप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ईयर में डिफॉल्ट कर दिया, जैसे ईयर 3 में डिफॉल्ट कर दिया, तो ईयर 3 के नेक्स्ट 5 ईयर्स, ईयर 3 के नेक्स्ट 5 ईयर्स 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते, वही बोला है, ठीक है. पॉइंट नंबर 9 इज एप्लीकेबल, मतलब अभी वही कि भाई 44AD डिफॉल्ट किया एंड NTI नेट टोटल इनकम ऑफ असेसी इज मोर देन बीसीएमसी लिमिट, देन असेसी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A एंड गेट इट ऑडिटेड 44AB. मैं बता चुका हूं आपको कि भाई अगर वो किसी साल में 4% डिक्लेयर करता है तो उसको और उसका NTI बीसीएमसी लिमिट ज्यादा है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है. आगे पूरी कहानी यही कह रहा है कि असेसी इज ऑफ द प्रेजेंटेड एक्शन 44AD and he wants to declare profit less than 8% or 6%, jaise ki 4%, then he has to maintain books of account under section 44A and get it audited under 44AB irrespective of turnover, whether it is up to rupees 1 cr or more, if NTI of SSC exceed BCMCL limit. But if it is below, matlab NTI below BCMCL limit, then no need to maintain books of account under section 44A and not to get it audited under section 44AB even if in case of profit being declared less than 8% or 6%. Understood beta? समझ में आया? ठीक है, अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं. मिस्टर ARP रेसिडेंट है, बींग एन एलिजिबल असेसी हुज ग्रॉस एसेट इज अप टू 2 CR, पूरी तरीके से एलिजिबल, बिजनेस कर रहा है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ठीक है. फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 to 2021, तो यहाँ पे पिछले साल दे रखे हैं, तो देखो ये असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 असेसमेंट ईयर 2021. सपोज ग्रॉस एसेट 1.80 CR, वो 44AD ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल था, अभी तक किया नहीं था, एलिजिबल था, यस सर बिल्कुल एलिजिबल था, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वी आर अज्यूमिंग बिजनेस कर रहा है और उसका जो ग्रॉस एसेट है वो भी आपका अप टू 2 CR है. तो बेटा उसने 44AD ऑप्ट कर लिया उसने पहली बार और 8% प्रॉफिट उसने डिक्लेयर भी कर लिया. सर 6% क्यों नहीं? बिकॉज जरूरी नहीं है कि भाई आपको वहां पे टर्नओवर कैश में मिल रहा, अदर देन अकाउंट पे, अदर देन कैश मिल रहा अकाउंट पे चेक, तो हम 8% ही पकड़ेंगे, कोई डिटेल अपने पास में नहीं है. तो 1.80 CR का 8% होता है 14.40 lakhs वहां पे PGP इनकम डिक्लेयर कर दिया, तो 44AD ऑप्ट कर दिया, यस. अब बेटा इसने 18-19 में 44AD ऑप्ट किया ना, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24 इसको 44AD ऑप्ट करना था. तो अगले साल तो उसने वैसा ही किया, 1.9 CR टर्नओवर हुआ उसका, 15.2 lakh, मतलब 8% डिक्लेयर किया, 44AD ऑफ किया, बट असेसमेंट ईयर 21-22 में गड़बड़ कर दिया, 2 CR है, वो एलिजिबल था, 2 CR एक्सीड नहीं किया, एग्जैक्ट 2 CR है, बट उसने जो इनकम डिक्लेयर किया वो लेस देन 8% था, 11.50 lakhs, दैट इज 5.75%, मतलब 44AD ऑप्ट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया. तो क्या सजा है बेटा वो देखो. इन द अबो केस मिस्टर ARP's एलिजिबल असेसी हैज ऑप्टेड प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD फॉर असेसमेंट 18-19, 19-20. हाउएवर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 ही ऑफर्ड इनकम ओनली ऑफ रुपीज 11.5 lakhs ऑन टर्नओवर ऑफ 2 CR, which is 5.75 CR of his gross receipt, and this is less than 8% as required in section 44AD. In this case, assessee has to maintain books of account under section 44AA and get it audited under section 44AB kar dena beta, 44AB. For assessment year 2021, jis saal mein usne 5.75% declare kiya hai, compulsorily books of account maintain karna padega, audit karna padega, karwana padega. Also, he shall not be eligible to claim the benefit of 44AD for next 5 years succeeding to assessment year 21-22. मतलब जिस साल में डिफॉल्ट किया उसके अगले 5 साल, तो असेसमेंट ईयर 21-22 से लेकर के असेसमेंट ईयर 25-26 तक 44AD ऑफ नहीं कर सकता. अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? तो ये 44AD का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड और करवाता हूं, मॉड्यूल के अंदर ही है.
ये तो देखो ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी करवाया ये वाला ही है सेम, ठीक है सेम वही है, इसमें यस खाली चेंज है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 बेटा, पेज नंबर 4.279, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन 16 मिल गया बेटा। चलो मिस्टर प्रवीण एंगेज इन रिटेल ट्रेड। अब देखो मिस्टर प्रवीण इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो वी आर अज्यूमिंग रेसिडेंट है, किसमें रिटेल ट्रेड में मतलब बिजनेस कर रहा है, रिपोर्ट्स और टर्नओवर 1,98,50,000। अब आपको बताना है कि भाई एलिजिबल है कि नहीं, ये बात की बात है। तो मिस्टर प्रवीण एंगेज रिटेल ट्रेड रेसिडेंट, वी आर अज्यूमिंग रिपोर्ट्स और टर्नओवर 1,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। His income from the said business as per the books of account is 13,20,000, मतलब normal provision के हिसाब से, ये इसका normal provision के हिसाब से इसने PGP direct method, indirect method जो भी follow करके PGP income निकाला 13,20,000, computed as per the provision of जो भी है PGP, ठीक है of income tax act। Retail trade is the only source of income of Mr. Praveen, मतलब ये इसका एक business है। Was the first year, अच्छा assessment year 2021 was the first year, last year की बात हो रही है बट हम financial year 2021 के अंदर देख रहे हैं। Assessment in 2020 मतलब financial year 1920 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provisions of presumptive tax in 44AD। मतलब ये कहना चाहता है कि previous year 1920 के अंदर ये already 44AD opt कर चुका है। Understood बेटा? तो देखो अगर ये 44AD opt कर चुका already previous year 1920 तो मतलब उसके अगले 5 साल मतलब previous year 2021 से, ठीक है 5 साल तक 44AD ऑप्ट करना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा है वो, इज मिस्टर प्रवीण आल्सो एलिजिबल टू ऑप्ट प्रेजम्प्टिव डिटरमिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, क्या इस साल के लिए एलिजिबल है, यस और नो? यस बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, बिजनेस कर रहा है एंड टर्न ओवर इज अप टू रुपीज कितना बेटा 2 CR, एलिजिबल है। दूसरा आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ सो मतलब अगर एलिजिबल है तो Determine his income from retail trade as per the applicable presumptive provisions, assuming the whole of the turnover represent cash receipt. बेटा तो PGP income कितना हो जाएगा? तो 1,98,00,000 उसका turnover है, उसका कितना 8% वहाँ पे आपका 15,84,000 is the PGP income. 15,84,000 is the PGP income. Understood बेटा? हम 8% पकड़ लेंगे. तो 1,98,00,000 का 15,84,000 88 है क्या बेटा 1,09,00,000, अच्छा कुछ आगे 1,98,00,000 समथिंग और होगा 20,000, ठीक है। तो 15,88,000 इज प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव पीजीपी इनकम, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है वो, नेक्स्ट बोलता है इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्स इन द इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बात समझना बेटा, यहां पे आ रहा 15,88,000 जबकि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसका इनकम आ रहा 13,20,000 बेटा। तो अगर आप प्रवीण की जगह होते तो आप क्या करते, 15,88,000 दिखाते हैं या 13,20,000 नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से दिखाते? तो सर सिंपल सी बात है कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 13,20,000, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पे आपका डिफॉल्ट हो रहा है। ऐसा करोगे तो क्या हो जाए बेटा डिफॉल्ट, तो वही तो पूछ रहा है कि अगर डिफॉल्ट करता तो क्या हो, कि इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑफ प्रेजेंट एक्शन इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन नंबर 1 बेटा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एनटीए बेसिस लिमिट से ज्यादा है या कम है, बेटा ऑब्वियस सी बात है जब ये 13,20,000 पीजीपी पकड़ रहा है तो भाई कितना डिडक्शन लेगा, कोई और अदर इनकम भी होगा तो 2,50,000 से ज्यादा ही होगा, तो इन दैट्स केस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करवाना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके आगे मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 से लेके 5 साल तक ये 44AD ऑप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये हो गया ऑब्लिगेशन। दूसरा, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन, मतलब एक बार वो अगर पीजीपी ऑप्ट करता है, प्रेजेंटिव ऑप्ट करता है तो ड्यू डेट क्या होगा रिटर्न फाइलिंग का, और नहीं करता है तो बेटा इसका आप समझो, इसका मैं बताता हूं कि अगर देखो बेटा वो प्रेजेंटिव ऑप्ट करता है मतलब उसको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है तो उस केस में उसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, 31 जुलाई 2021। लेकिन अगर वो वहां पे प्रेजम्प्टिव ऑप्ट नहीं करता
तो उसको टैक्स ऑडिट कंपल्सरीली करवाना पड़ेगा, यस और नो बेटा? तो उस केस में उसका ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2020, ठीक है, ये उसका वहां पे हो जाएगा। समझ में आया बात मतलब ये बेटा? तो ये देखो पहले का आंसर यस, सिंस हिज टर्नओवर इज फाइनेंशियली 200 लाख, he is eligible to opt presumptive exemption scheme 44AD in the respect of retail trade business. दूसरा, उसका इनकम आपने निकाली था 15,88,000, ठीक है, 8%. तीसरा, अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है, मिस्टर प्रवीण had declared profit financial previous 1920 in accordance with the presumptive exemption, and if it does not opt for presumptive exemption provision any 5 consecutive years, that is from assessment year 21-22 to assessment 25-26, he would not be eligible to claim the benefit of presumptive exemption 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the presumptive provision. If he does not opt to presumptive exemption in previous year 2021, मतलब इस साल नहीं करता है, तो assessment year 2021, तो अगले साल मतलब तो assessment 22 से लेकर के वो opt नहीं कर सकता. Consequently, Mr. Praveen is required to maintain the books of account and get it audited under whatever AB since his income exceeds the basic exemption limit. ये मैंने पहले पहले बताया कि भाई 2.5 लाख से ज़्यादा ही होगा net income. और last में due date, in case he opts for presumptive exemption 44AD, तो due date हो जाएगा, tax audit करवाने की ज़रूरत नहीं, due date 31 जुलाई, और अगर वो नहीं opt करता बेटा तो tax audit करवाना पड़ेगा, due date हो जाएगा 31 अक्टूबर. Understood बेटा? समझ में आ गया आपको 44AD का पूरा concept समझ में आ गया? फिर आता है बेटा सेक्शन 44ADA के, बिजनेस वालों को वहां पे प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन दिया, प्रोफेशन वाले भी चिल्ला रहे थे हमको भी प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन दो, हमको भी प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन दो. तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 44ADA. और लेकिन ऐसे यहाँ पे हालत खराब कर दी ना, तो बेचारे पछता रहे कि मांग के भी गलती कर दिया. तो सेक्शन 44ADA इज ऑल्सो प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन फॉर असेसीज हु आर एंगेज इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. तो पीजीपी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल. अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस करता है तो, ठीक है. तो एलिजिबल असेसी बेटा यहां पे कौन होगा? एलिजिबल असेसी होगा एनी रेसिडेंट. देखो वहां पे रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. जबकि 44ADA के अंदर एडे लोग हैं सारे के सारे, और वो रेसिडेंट असेसी कोई भी, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, यहां पे देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, रेसिडेंट एचयूएफ हो सकता है, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, रेसिडेंट एलएलपी भी हो सकता है, रेसिडेंट कंपनी भी हो सकता है, ध्यान रखना, रेसिडेंट एओपी भी हो सकता है, बीओआई कोई भी हो सकता है, उधर खाली इंडिविजुअल एचयूएफ ये थे. तो इधर एलिजिबल असेसी रेसिडेंट असेसी एंगेज इन प्रोफेशन रेफर्ड इन सेक्शन 44AA1. एडे लोग, ऐसे एडे लोग जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर, कौन कौन एडे सर? लायर लीगल प्रोफेशन के अंदर, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, इंजीनियरिंग इंजीनियर, अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, फिल्म आर्टिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर अप्रूव्ड बाय सीबीटी, सारे के सारे एड़े लोग, सारे के सारे क्या बेटा? एड़े लोग, ठीक है. लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ठीक है, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल, जो कि प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स है, खाली वही एलिजिबल है. रेसिडेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ कोई फर्म हो सकता है, कोई एलएलपी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ठीक है. अब बेटा आगे आता है कि सर क्या हर एक के ऊपर अप्लाई होगा? तो बेटा जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से क्या है बेटा? ज्यादा है, तो उस केस में उसको तो कंपल्सरीली टैक्स ऑडिट करवाना है, ठीक है. तो उस केस में सर ये कौन से वाले प्रोफेशनल्स? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ ग्रॉस रिसीट इज अप टू ₹50 लाख. तो मतलब अगर किसी का ग्रॉस रिसीट 51 लाख हो गया बेटा, तो वो ये 44ADA ऑप्ट नहीं कर सकता. अब आता बेटा व्हाट विल बी नेक्स्ट पीजीपी इनकम, तो वहां पे 8% 6%, यहां पे देखना व्हिच एवर इज हायर, क्या 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट और इनकम डिक्लेयर्ड, व्हिच एवर इज हायर, मतलब आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है. मिनिमम 50% क्या डिक्लेयर करना बेटा? प्रॉफिट. मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है. मिनिमम 50% आपको क्या डिक्लेयर करना बेटा? प्रॉफिट डिक्लेयर करना. अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया बात मतलब ये चीज? ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा जो ग्रॉस रिसीट है, मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आता हूं जो ऊपर लिखा, मेरा सपोज ग्रॉस रिसीट एग्जैक्ट 50 लाख है, मैं एलिजिबल हूं क्योंकि अप टू 50 लाख एलिजिबल है. तो उस केस में बेटा समझना, केस वन,
केस वन के अंदर सपोज 50% ग्रॉस एसेट इज 25 लाख, भाई मेरा 50 लाख ग्रॉस एसेट तो 25 लाख, और मैंने इनकम डिक्लेयर किया है ₹20 लाख, तो मेरा पीजीपी इनकम विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम मेरे को ₹25 लाख डिक्लेयर करना पड़ेगा। और केस टू के अंदर सपोज मेरा वहां पे 50% तो 25 लाख होता है, लेकिन मैंने डिक्लेयर मेरा जो एक्चुअल इनकम है मैं 30 लाख वहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं, विच एवर इज हायर, तो मेरे को 30 लाख देना पड़ेगा, मतलब 30 लाख का पीजीपी इनकम मानना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? तो मिनिमम आपको 50% आपको इनकम डिक्लेयर करना ही करना है। तो सर बोले कि 50% किसका प्रॉफिट होता है? भाई चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, मेडिसिन के, स्टाफ रखा होता है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलता है 50% प्रॉफिट है। बेटा ये किसके लिए फायदेमंद है? ये उसके लिए फायदेमंद है जिसका कोई खर्चा नहीं है, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो घर से प्रैक्टिस करता है या क्लाइंट प्लेस पे ही बैठ के अपना सारा काम निपटा देता है, आर्टिकल रखे नहीं है, सारा काम खुद ही करता है, कहने का मतलब ये चीज है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी क्लाइंट का निकाल लेता है, कहने का मतलब ये चीज है वहां पे, तो उसके लिए एक्सपेंस नहीं है। तो बेटा उसका तो 99% या 90% प्रॉफिट है, वो 50% डिक्लेयर कर देगा, चलेगा, समझ में आ रहा बात, मतलब ये। लेकिन एक ऐसा सीए, ऐसा डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर, ऐसे लॉयर जिनका बहुत खर्चा होता है, तो बेटा उस केस में वो लोग 50% प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, यस और नो बेटा? तो जब कोई कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बेटा, प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करने के लिए उसको फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रॉस रिसीट, फिर 50 से ज्यादा हो या कम हो, समझ में आया बात, मतलब ये। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई बुक्स ऑफ मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवाना 50 लाख तक, ठीक है। तो ये आगे की बात बोलता है कि अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30-37(1) नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अज्यूम्ड है, जो रिमेनिंग 50% वो एक्सपेंस ही है। असेसी इज डिक्लेयर इनकम 44 एडा, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट टू 44AD। लेकिन इफ असेसी डिक्लेयर्स इनकम लोअर देन 50%, कि भाई मान लो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 30% ही है, तो मैं क्यों मिनिमम 50% डिक्लेयर करूंगा, तो वही है, और मेरा जो नेट टोटल इनकम है वो डेसिमल लिमिट से ज्यादा है, तो सेम वैसे ही उस केस में मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ग्रॉस एसेट वो चाहे 50 से ज्यादा हो या 50 से कम हो, सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन वो यहाँ पे 5 साल वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता बेटा, वो सिर्फ 44AD के अंदर ही है, समझ में आ रहा बात, मतलब ये। हाँ, अगर मैं कम डिक्लेयर करता हूं तो मेरे को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, एलिजिबल असेसी जो है उसको एडवांस टैक्स भी 100%, वो सेम उसके जैसे 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, 15 मार्च को, उसके अंदर एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में ना पे करके एक इंस्टॉलमेंट पे करना है। फिर आता बेटा सेक्शन 44A। 44A इज बेसिकली प्रिजम्प्टिव टैक्सेबल, प्रिजम्प्टिव पीजीपी इनकम फॉर दोज असेसीज हु आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस, मतलब ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ऐसा बिजनेसमैन जो कि ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, और उसका बिजनेस प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस, ठीक है, पीजीपी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर द असेसी एंगेज द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस। तो बेटा इस केस में अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूं तो मैं 44A के अंदर वहां पे पीजीपी इनकम डिक्लेयर कर सकता हूं, लेकिन बेटा छोटा ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। सर ये छोटा ट्रांसपोर्टर कैसे होगा? तो वो डिसाइड करेंगे एलिजिबल असेसी, तो एनी असेसी। देखो 44AD में था इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ रेसिडेंट पार्टनरशिप फंड, 44AD में था एनी रेसिडेंट असेसी, यहां पे एनी असेसी, चाहे रेसिडेंट हो या चाहे नॉन रेसिडेंट हो, हर कोई एलिजिबल है, ठीक है, जो एंगेज अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस, ठीक है, एंगेज इन द अबो सच बिजनेसेस, डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरिजेस ट्रक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में पूरे साल में एक भी दिन अगर 10 से 11 ट्रक हुआ बेटा, पूरे साल में एक भी दिन 10 से 11 ट्रक हुआ बेटा, तो उस केस में मैं एलिजिबल नहीं हूं, उस केस में मैं एलिजिबल नहीं हूं। इफ असेसी ओन्स मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम मतलब फॉर अ सेकेंड भी 10 से 11 नहीं हो सकता, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। क्योंकि बोला ना भाई छोटे, ये लोग छोटे लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो अगर अप टू 10 ट्रक्स है एनी टाइम, तो बेटा वहां पे ठीक है मैं एलिजिबल हूं।
अच्छा बताओ मेरे को, सपोज मेरे पास में अप्रैल के अंदर 10 ट्रक्स था, अब मैं 5 मई को एक ट्रक परचेज करता हूं, एक ट्रक क्या करता हूं परचेज करता हूं, अक्वायर करता हूं मॉर्निंग 9 AM एंड 12 PM को 5 मई को ही मैं एक पुराना ट्रक बेच देता हूं सोल्ड, बेटा बताओ क्या मैं एलिजिबल हूं 44AE के लिए? नो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास में 10 से 11 हो गए थे। समझ में आ रहा बात? मतलब अब मान लो मैं ऐसा करता हूं कि 9 AM को मैंने एक ट्रक बेच दिया और 12 PM को मैंने एक ट्रक खरीद लिया, बोलो क्या मैं एलिजिबल हूं? मेरे पास में 10 ट्रक था, फिर मैंने एक ट्रक 9 AM को बेच दिया, फिर मैंने एक ट्रक खरीद लिया, ठीक है, तो मेरे पास में 10 के 10 ट्रक है, पहले भी 10 थे अभी भी 10 ट्रक है, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस और नो? आप बोलोगे सर आपके पूरे साल में तो 11 ट्रक हो गए, ऐसा नहीं देखना बेटा, आपको देखना एट एनी टाइम, एट ए टाइम देखना है। तो क्या बेटा एट ए टाइम जब मैंने वो ट्रक खरीदा है तब मेरे पास में 11 ट्रक थे क्या बेटा? नहीं सर, पहले 10 थे, 9 हो गए, फिर से 10, ऐसे तो चलेगा, ऐसे तो आप साल में 4 बार करो चलेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन 10 से 11 होकर के फिर से 10 नहीं हो सकते, 10 से 9, 8, 7, 5, 6, 7 होकर के आपका फिर से 10 हो सकता है। समझ में आ रहा बात बेटा ये चीज वहां पे? ठीक है, तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक, डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स, अगर उससे ज्यादा हो गए तो बेटा मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो नंबर 1, असेसी, एनी असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स एंड डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एलिजिबल असेसी हो गया। अब बेटा पीजीपी इनकम कितना होगा? तो पीजीपी इनकम यहां पे परसेंटेज ना देकर के पीजीपी इनकम यहां पे दे रखा है बेटा अमाउंट में, कि अगर मान लो मेरे पास में हैवी गुड्स व्हीकल है, अगर मेरे पास में क्या है बेटा हैवी गुड्स व्हीकल है, तो उस केस में रुपीज 1000 पर टन पर मंथ, 1000 रुपीज पर टन पर मंथ, 1000 पर टन पर मंथ अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो ये मेरा इनकम हो जाएगा। और अगर बेटा वहां पे लाइट गुड्स व्हीकल है तो रुपीज 7000 पर व्हीकल पर मंथ, अगर हैवी है तो पर टन देखते हैं 1000 पर टन पर मंथ, और अगर वहां पे लाइट है तो बेटा 7000 पर व्हीकल पर मंथ हम लोग देखेंगे। एंड अगर पार्ट ऑफ द मंथ अगर वहां पे आपके पास में ट्रक था, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी ट्रीटेड एज 1 मंथ। सर कैसे? मान लो मेरे पास में अप्रैल के अंदर 10 ट्रक थे, अब मैंने 5 मई को एक ट्रक बेच दिया, 1 sold, ठीक है, तो उस केस में बेटा ये 10 ट्रक है, 10 में से एक चला गया तो 9 बज गए, बाकी 9 पूरे साल रहे, तो वो जो 9 ट्रक है वो तो बेटा 12 महीना पूरा ओन थे, लेकिन ये जो एक ट्रक था ना बेटा ये इसकी इनकम मैं 2 महीने के लिए निकालूंगा, 2 महीने मतलब अप्रैल एंड मई के लिए। लेकिन सर मैं तो 5 दिन ही उसका ओनर था, यही तो बोल रहा है पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी ट्रीटेड एज 1 full month, अंडरस्टूड बेटा? तो भले वो मई में वो ट्रक मेरे लिए 5 दिन के लिए था, बट फिर भी पूरे महीने की इनकम काउंट करूंगा। समझ में आया? वैसे ही मान लो मैंने एक ट्रक बाद में खरीदा, 25 मार्च को मैंने ट्रक खरीदा 2021 को, तो बेटा ये ट्रक भले 5 दिन के लिए मेरे पास, 6 दिन के लिए मेरे पास में आया है, बट इसकी भी मैं 1 महीने की पूरी इनकम निकालूंगा। समझ में आया बात? मतलब की चीजें तो पार्ट ऑफ द मंथ है वो फुल मंथ ट्रीट किया जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी ट्रीटेड एज फुल मंथ। ओके, दूसरा ये तो हो गया आपका, ठीक है, इनकम के भाई अगर हैवी है तो 1000 पर टन पर मंथ, और अगर लाइट है तो 7500 पर व्हीकल पर मंथ। अब देखो असेसी कैन डिक्लेयर हायर इनकम ऑल्सो, कि भाई अगर उसको ज्यादा डिक्लेयर करना कर सकता है वहां पे। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या होता है? इफ ग्रॉस व्हीकल वेट इज एक्सीडिंग एक्सीडिंग 12000 kg और 12 ton, एक ऐसा ट्रक जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट, अब ये ग्रॉस व्हीकल वेट क्या, ये नीचे लिख देना, फोर्थ पॉइंट लिख देना, ग्रॉस व्हीकल वेट मीन्स
वेट ऑफ कॉमा करके वेट ऑफ ट्रक एक्सक्लूडिंग वेट ऑफ ड्राइवर एंड हेल्पर। मतलब जो बेयर ट्रक रहता है कि भाई सामान भरा नहीं है उसके अंदर और ड्राइवर और हेल्पर को भी बाहर निकालो, तो उनका वहां पे वेट छोड़ करके जो ट्रक होगा उसका जो वेट होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस व्हीकल वेट। तो अगर वो ग्रॉस व्हीकल वेट बेटा अप टू 12,000 केजी, अप टू 12 टन, दोनों एक ही चीज है, अप टू 12,000 केजी और अप टू 12 टन बेटा, ठीक है। 100 केजी मींस 1 क्विंटल एंड 1000 केजी मतलब 1 टन। तो अगर वो अप टू 12,000 केजी अप टू 12 टन तब तो हो गया लाइट हो गया, लेकिन ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 12,000 केजी से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका हैवी हो जाएगा। तो सपोज ट्रक का वेट है 12,150 केजी, तो ये क्या हो गया हैवी। लेकिन मान लो ड्राइवर का वेट है 100 केजी, वो निकालो, हेल्पर का वेट है 60 केजी, वो भी निकालो बेटा, तो बेटा अब कितना हो गया 11,990 केजी, तो ये हो गया आपका लाइट व्हीकल। समझ में आया बात, मतलब ये चीजें, ठीक है। तो हैवी गुड्स व्हीकल मींस ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग 12,000 केजी और 12 टन। पर आता एक्चुअल यूज ऑफ व्हीकल इज नॉट रेलेवेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक एसएससी बोलता है सर मेरे दो ट्रक थे वो तो ऐसे पड़े रहे थे कोविड की वजह से, चलते ही नहीं सर, उनकी इनकम तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। नहीं बेटा, एक्चुअल यूज रेलेवेंट ही नहीं है, आपका द्वारा ओन होना चाहिए। क्योंकि आप तो झूठ भी बोल सकते हो ना भाई, साल खत्म होने के बाद बोल सकते हो सर पूरे साल खाली पड़े थे। अब पीछे कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि भाई एक पीछे जाकर के देख ले कि भाई ये ट्रक चल रहा था कि नहीं चल रहा था। समझ में आ रहा बात, मतलब ये चीज है। तो एक्चुअल यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू आर ओनर, यू आर ओनर, ठीक है। उसके बाद में नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30-37, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 भी जरूर मिल जाएगा अगर पार्टनरशिप फर्म है एसएससी, तो रेम्यूनेशन इंटरेस्ट वगैरह पे किया तो 40 बी के हिसाब से, बाकी कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ एसएससी डिक्लेयर्स इनकम एज पर सेक्शन 44A, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट रिक्वायर टू गेट ऑडिटेड 44AB। अगर टर्नओवर 1 crore से ऊपर जाता है तो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एसएससी बोलता है कि मेरा सर एक्चुअल इनकम सर 7,500 से कम है लाइट के केस में और 1,000 पर टन से कम है हैवी के केस में, हो सकता है ना भाई, तो उस केस में बात समझना, उस केस में क्या हो जाएगा, एसएससी उससे कम इनकम डिक्लेयर करेगा कि 3,500 ही है या 700 रुपए टन ही है और उसका नेट टोटल इनकम ग्रेटर देन बीसीएम से लिमिट है बेटा, तो उस केस में ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा 44A इरेस्पेक्टिव टर्न और वेदर 1 crore है या उससे ज्यादा है। और अगर एलिजिबल एसएससी है, ठीक है, तो उसको 4 installments में एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले वाले 2 cases में 1 installment में एडवांस टैक्स पे करना, यहाँ पे 4 installments पे करना पड़ेगा, समझा। ये 44 क्या आ गया आपका बेटा, ए ही आ गया। अब देखो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो मैं बताता हूँ आपको, वो आपको समझ में आ भी गया होगा कि देखो एसएससी अगर 44AD 44AD 44AE में कवर होता है एंड सच पर्सन क्लेम्स पीजीपी लेस देन अमाउंट अंडर दी सेक्शन, कि भाई पीजीपी वो 4% डिक्लेयर कर रहा है जबकि उसमें कितना बोला गया है 8% और 6%, या फिर वो पीजीपी 30% डिक्लेयर कर रहा है 44AD केस में 30% डिक्लेयर कर रहा है जबकि उसमें कितना बोला गया है 50% मिनिमम, या फिर पीजीपी 5,500 डिक्लेयर कर रहा है या 1,000 डिक्लेयर कर रहा है जबकि उसमें कितना बोला गया बेटा 7,500 या फिर 1,000 पर। समझ में आ गया बेटा, मतलब ये चीज़, ठीक है। एंड जो नेट टोटल इनकम है वो एक्सीड कर रहा है बीसीएम लिमिट, पहला तो क्या नंबर वन कि पीजीपी डिक्लेयर कर रहा है जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे कम डिक्लेयर कर रहा है एंड उसका एनटीए बीसीएम लिमिट से ज्यादा है बेटा, एनटीए बीसीएम लिमिट से क्या है ज्यादा, तो उस केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कोई 1 crore कोई 50 lakh उसको टैक्स वेट करवाना पड़ेगा। बस वही पॉइंट अब समझ में आ जाएगा, तो इफ सच पर्सन क्लेम्स पीजीपी लेस देन अमाउंट अंडर दिस सेक्शन एंड एनटीए एक्सीड द बीसीएम लिमिट इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, ठीक है, वेदर अप टू 1 crore 50 lakh और लेस, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाना पड़ेगा एंड ऑडिट करवाना पड़ेगा, कंपलसरी ऑडिट 44AB में करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, अब यहां पे लिख देना, एक कहीं पे भी जगह लिख देना हो, तो मतलब मैं तो यहां पे लिख रहा हूं लेकिन टेक्स्ट वर्ड के वहां पे लिख देना,
कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट बाय सीए इज वन मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फॉर टैक्स ऑडिट असेसी और वो है आपका दैट इज 31st October ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31st October रेलेवेंट असेसमेंट 31st October 2021 हो जाएगा. तो उसको ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करना है, 31st October से एक महीना पहला मतलब 30th September तक उसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा. अंडरस्टूड बेटा? ठीक है. अब देखो 44AE के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. कॉपी कर लिया आपने ये? डन बेटा कॉपी करके. चलो अब देखो 44AE के ऊपर एक क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर लिस्ट नंबर 17. मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1st April 2020. ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021. कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44AE फॉर असेसमेंट 2021-22. तो पहले दो क्या एलिजिबल है मिस्टर एक्स? तो कोई भी एसएससी हो सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो सकता है. Engaged the business of hiring, leasing goods carriages. तो लिखा हुआ operating goods vehicle. अब देखो does not own more than 10 trucks at any time during the previous year. तो ये देखो number of trucks का detail दे रखा है. तो दो खरीदा, दो एक तीन छः सात आठ नौ दस, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं था. Would your answer change if goods vehicle purchased on April 2020 were put to use only in July 2020? कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो बात की बात है बट बता दूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअल यूज से इंपॉर्टेंट. ये बोल रहा है कि एक्चुअल यूज बाद में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब से आपने परचेज किया है आप ओनर मान लो जाओगे, आपको इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा. चलो वो बात की बात है. अब जो मॉड्यूल में जिससे सॉल्व कर रहा मैं उसे अलग करूंगा. देखो ग्रॉस व्हीकल वेट दे रखा है 7000. ये क्या हो गया बेटा? आपका लाइट व्हीकल हो गया 6500. ये भी लाइट व्हीकल हो गया, ये भी लाइट हो गया अप टू 12000 kg लाइट होता है. लेकिन ये और ये दोनों क्या हो गया? हैवी हो गया. अंडरस्टूड बेटा? तो मैं अलग तरीके से पीजीबी निकाल रहा हूं, मॉड्यूल वहां पे थोड़ा करा, मैं एकदम थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में निकाल रहा हूं. ठीक है चलो. तो इलस्ट्रेशन नंबर आपका कौन सा है? ये 17 है. पेज नंबर है 4.280. इलस्ट्रेशन 17 पेज 4.280 ICAR. ठीक है, आपको पीजीपी निकम इनकम का पीजीपी अंडर सेक्शन 44AE फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 पर्टिकुलर्स अमाउंट चलो पहले बेटा मैं निकाल लेता हूं लाइट व्हीकल्स. तो देखो लाइट व्हीकल्स कब कब खरीदे गए? तो यहां पे सबसे पहला आता है 7000 kg वाला, मतलब लाइट है, दो ट्रक खरीदे थे 10 अप्रैल 2020 को बेटा. तो 10th अप्रैल 2020 को मतलब आपने ये पूरा 12 महीना मतलब ओन किया है, बेचा है ही नहीं है. तो टू ट्रक्स आपने खरीदे 10th अप्रैल 2020 को. तो ये यहां पे सबसे पहले लिखता हूं मैं टू ट्रक्स अक्वायर्ड ऑन
10th April 2020, right? अब ये कितना महीना ओन था बेटा, 12 मंथ्स ओन था, तो मैं लिख देता हूं 12 मंथ्स, तो मैं इनकम निकालता हूं, तो लाइट के केस में बेटा कितना, 7500 पर मंथ पर व्हीकल, तो रुपीज 7500 पर व्हीकल, दो व्हीकल, ठीक है, टू ट्रक्स, एंड नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ्स, तो ये हो गया 7500 × 2 × 12, ये हो गया 180,000, 180,000, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, कब परचेज किया है बेटा, तो 6500 केजी वाला एक ट्रक है, 15 मार्च 2021 को परचेज किया, तो मतलब ये वन मंथ के लिए रहा, पार्ट ऑफ द मंथ है, उसको पूरा एक महीना काउंट करेंगे, एक महीने के लिए ओन था ये, 15 मार्च 2021, तो वन ट्रक बेटा, एक मिनट, बेटा आगे क्या, यू देयर, ओके, तो ये जो एक ट्रक था बेटा आपने कब खरीदा, अक्वायर्ड ऑन 15th March 2021, तो ये वन मंथ के लिए था, तो इसके लिए अगर मैं इनकम निकालूं, ये भी लाइट है आपका, तो रुपीज 7500 इंटू वन ट्रक इंटू वन मंथ, तो ये हो जाएगा रुपीज 7500, राइट। उसके बाद में बेटा थर्ड आता है 10,000, ये भी आपने 16 जुलाई 2020 को खरीदा, तीन ट्रक, तो थ्री ट्रक्स ऑन 16 जुलाई 2020, तो बेटा कितना मंथ हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 9 मंथ्स, राइट, ठीक है। अब 9 मंथ्स के लिए ये है, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये तीन ट्रक से इनकम होगा रुपीज 7000, एकदम हम टुकड़े टुकड़े में कर रहे ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है, थ्री ट्रक्स इंटू 9 मंथ्स, तो 7500 इंटू 3 × 9, ये होता बेटा 2,02,500, 2,02,500। फिर उसके बाद में फिर से लाइट खरीदा, 11,000 kg वाला एक ट्रक खरीदा, सेकेंड जैन 2021, तो जैन फेब मार्च वन ट्रक ऑन सेकेंड जैन 2021, थ्री मंथ्स, तो उस केस में बेटा आपका आ जाएगा रुपीज 7500 इंटू वन ट्रक इंटू थ्री मंथ्स, इंटू ये होता है 22,500, ये हो गया आपका लाइट से, इनका टोटल कर लो बेटा एक बार, टोटल करके मेरे को बता दो, इनका पूरा का टोटल कर दो, 187,500, 202,500 and 22,500, मैं आउटर कॉल में लिख देता हूं, व्हाट इज द टोटल, 4,12,500, राइट, 4,12,500 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब बेटा आता है वहां पे आपका हैवी वाला, ये तो लाइट वाला कर दिया हमने, हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, तो हैवी व्हीकल्स में भी आप देखोगे तो यहां पे आपने हैवी व्हीकल्स परचेज कर रखे हैं कब, तो हालांकि 15 टन के ये दोनों, दोनों कितने बेटा, दोनों जो लिया आपने 15 टन, लेकिन मंथ्स का गड़बड़ है, ये दोनों में मंथ्स का, ये 29 अगस्त को खरीदा, ये 23, तो दोनों का अलग अलग कर देते हम, ठीक है, ये दो और एक, तो 15,000 kg मतलब 15 टन, तो पहला वहां पे मैं करता हूं, दो है 29 अगस्त को, टू ट्रक्स ऑफ 15 टन
on 29th August 2020. कितना मंथ बेटा? August, September, October, November, December, January, Feb, March, 8 months. तो बेटा यहां पे तो अपने को पर टन लेना है, तो पर टन जब लेंगे तो कुछ इस तरीके से रुपीज 1000 ये पर टन है, टोटल 15 टन है इंटू टू ट्रक, ठीक है, इंटू 8 मंथ्स, तो 1000 ये पर टन है इंटू 15 टन इंटू टू ट्रक्स है इंटू 8 मंथ्स, तो ये हो गया 2,40,000. आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा. दूसरा, एक ट्रक खरीदा, वन ट्रक ऑफ 15 टन, वो भी 15 टन का है, ऑन कौन सी डेट को है बेटा? 23rd Feb 2021. तो फेब एंड मार्च, 23rd Feb 2021, तो ये 2 मंथ्स फेब मार्च. तो बेटा उस केस में कितना आ जाएगा? तो उस केस में आएगा रुपीज 1000 पर टन इंटू 15 टन, और क्योंकि एक ही ट्रक है तो नहीं भी लिखते तो भी चलता, बट ठीक है आपको चाहो तो लिख दो वन ट्रक इंटू 2 मंथ्स. तो 1000 इंटू 15 टन इंटू 2, तो ये हो गया 30,000. बेटा इन दोनों का टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल हो गया आपका 2,70,000. तो टोटल पीजीपी कितना हो जाएगा जरा मुझे ये बता दो. ये 412,500 और 270, सिक्स एटी टू फाइव हंड्रेड. डन बेटा, कॉपी हो गया 682,500, ठीक है. ये देख लो, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा हो, नंबर ऑफ मंथ्स निकाले, 55 कर लिया. ये क्या बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बेटर हम अपने तरीके से करेंगे, अपने को फाइनली आंसर से मतलब है. तो आंसर देखो 682,500 कहाँ आ रहा है, कहीं तो आ रहा हो, कहीं तो लिखा होगा, ये रहा देखो 682,500. तो हमने स्टेप बाय स्टेप करके किया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है. और लास्ट में द आंसर वुड बी रिमेन चेंज, कि भाई वो पुट टू इस कब करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप से मतलब है. अंडरस्टूड बेटा? डन, ठीक है. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ पीजीपी के अंदर, फिर आपका पीजीपी हो गया खत्म. ये लास्ट कॉन्सेप्ट है पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम. दे आर सम बिजनेस, दीज आर बेसिकली यू नो दे जनरेट कंपोजिट इनकम, कि भाई वहां पे पार्ट एग्रीकल्चर भी होता है, पार्ट बिजनेस भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, प्रोसेस भी होता है. जैसे कि टी, तो टी ग्रो होती है फिर उसके बाद में प्रोसेस होती है, कॉफी ग्रो होती है प्रोसेस होती है, रबर ग्रो होता है प्रोसेस होता है. तो वो जो इनकम होती है बेटा वो पार्टली एग्रीकल्चर होती है, पार्टली बिजनेस इनकम होती है, कंपोजिट इनकम बोलते हैं. तो कंपोजिशन ऑफ बिजनेस इनकम, वेयर इनकम इज पार्टली बिजनेस पार्टली एग्रीकल्चर इनकम. तो टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिट नेचर ऑफ इनकम, जैसे कि इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर. तो पहले देखो इस केस में क्या करना है, पहले आपको नॉर्मली इनकम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना है, डिडक्शन विडक्शन सब दे करके सारी चीजें करके आप निकाल लो, फिर उसको आप डिवाइड कर दो कंपोजिट इनकम में. तो अगर रबर, रबर मैन्युफैक्चरिंग से है बेटा, तो बिजनेस इनकम होगा 35%, जो भी कंप्यूटेड इनकम है उसका 35% बिजनेस इनकम, और वो टैक्सेबल होता है. और एग्रीकल्चर इनकम होता है 65%. जैसे कि 1,00,000 का आपका सब डिडक्शन विडक्शन देने के बाद में इनकम आया, तो 35,000 पीजीपी इनकम, 65,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम. हाउएवर अगर इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, तो कॉफी ज्यादा प्रोसेस नहीं हो रहा, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, बस दैट्स इट, ग्रोन एंड कर्ड, ठीक है. तो उस केस में वहां पे आपका 25% बिजनेस इनकम 1,25,000 एंड 75,000 एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और अगर प्रोसेस ज्यादा हो रहा है कि कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा प्रोसेस हो रहा है मतलब ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज वाई 40% तो अब हो जाएगा आपका वहां पे पीजीपी 1,00,000 का 40% 40,000 एंड 60% हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम. और अगर वहां पे इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टी है तो 40% हो जाएगा एग्रीकल्चर, सॉरी पीजीपी, और 60% हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम. अंडरस्टूड बेटा?
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है मॉड्यूल के अंदर, वो भी एक बार ट्राई करना। जैसे आप देखोगे तो इसके आगे वाला ही क्वेश्चन होगा आई गेस, ये वाला आगे वाला ही क्वेश्चन है। ये देखो दिस इज द क्वेश्चन, ए लिस्ट नंबर 18 बेटा, ये लिस्ट नंबर 18 ट्राई करना, ठीक है, लिस्ट नंबर 18 ट्राई करना है, उसी के बेस्ड है कैसे निकालना है। और एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो गया था मेरे हिसाब से, है ना, पीछे के जो टेस्ट योर नॉलेज में मैंने बोला था कि भाई आप होमवर्क करना, एक आध मैंने करवाया भी था, ये हो गया था, ये भी शायद उसका अगले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी होमवर्क दिया था आपने, शायद कर लिया था, राइट। फिर 3-4 वगैरह करेंगे। एक पीछे की साइड क्वेश्चन और ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, ये देखो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो एग्रीकल्चर उनका है, तो एक तो वो इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सबसे लास्ट में, ठीक है, ये भी ट्राई करना। इधर देखो टोटल इनकम कैसे पहले कंप्यूट करते हैं, फिर कैसे उसको बाइफरकेट करना है, ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल कर लेते हैं मॉड्यूल के, और जो उसके जो क्वेश्चंस है क्या बोलते हैं क्रैकर्स वगैरह के उसके कर लेना, ठीक है ना। तो कल अपना मतलब थोड़ी देर क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 10 में से 3 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, तो बड़े जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे तो हम फटाफट कर डालेंगे, ठीक है। चलो बेटा, ओके, चलो चलो पीजी फाइनली डन।